जय भीम, जय भीम जय भीम भाई। साथियों, आज हम लोग रूबरू हैं हिंदी पंजाबी उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर, बड़े नामचीन और हर दिल अजीज हरफन मौला शायर, मतलब अपने नाम को मानी खेज करते हुए आजाद, इनके नाम पे गुरिंदर आजाद, तो अपने नाम को इन्होंने मानिखेज बना दिया और पूर्ण बना दिया है। जैसा इनका नाम है वैसे ही ये कवि हैं, आजाद ख्याल, और ये हर सरहद को, मुल्क जाति संप्रदाय हर सरहद को तोड़ने वाले कवि के रूप में मैं इन्हें जानता हूँ। और इन्होंने जय भीम असंग सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के बड़े एक प्रसिद्ध दलित कवि, मूर्धन्य कवि मेरे अनुसार, बड़े एसर्टिव गुरिंदर आजाद से ही, मतलब मैं उनकी तुलना करता हूँ और गुरिंदर आजाद की उनसे तुलना करता हूँ असंग, और आज उनका नाम मैं लेने ही वाला था लेकिन वो आ गए तो कविता याद आ गई। और बहुत बहुत शुक्रिया असंग सर का, इसलिए कि जिस कविता के साथ मैं ये जय भीम खुशी राज जी मैं शुरू करना चाहता था, गुरिंदर का जो ऐलानिया है, जो अपना हर कवि का एक वक्तव्य होता है, अपना कथ्य होता है कि जिसके आधार पर उसकी कविता की जमीन होती है, तो गुरिंदर आजाद की कविता जिस जमीन पे खड़ी है उसकी उद्घोषणा अपने इन दो पंक्तियों में वो करते हैं गुरिंदर आजाद। वो है, दलित का बेटा हूं साहेब। दलित मतलब खुलेआम, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते नहीं, जैसा कि कई आप देखेंगे कि एक अमेरिका की लेखिका है, उनको बहुत दिन तक अपना आइडेंटिटी छुपा के जीना पड़ा। और गुरिंदर आजाद आजाद ख्याल है, वो अपनी आइडेंटिटी को साफ और सही शब्दों में बोलते हैं कि दलित का बेटा हूं साहेब, शब्दों की रापी जरा तेज है। शब्दों की रापी की बात करते हैं कि कविता में अपना जो कर्म जीवन है, जो पुरखों का जो श्रम रापी को लेकर करते रहे हैं, यही मैंने अपने वक्तव्य जो मंगलवार को मैंने रखा, 2 मंगलवार को, तो यही वक्तव्य मैंने असंग सर की कविता में भी, रापी शब्द बार बार आता है, रापी वहां एक हथियार, अपना जो कर्म का जो औजार है, श्रम के औजार को प्रतिरोध क्रांति इंकलाब का औजार बना लेना, असंग सर की कविता में भी बार बार कि ये रापी मैं तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा, उनकी कविता में आता है। तो यही बात रापी कि मेरी रापी जरा तेज है, तरह संभल कर रहना, ये भी अपने दुश्मन को चेताते हैं। तभी मैंने गुरिंदर आजाद की तुलना असंग सर से की। असंग सर जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्हीं की परंपरा में हमारे गुरिंदर आजाद खड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक संघर्ष एसर्टिव परंपरा, वो जो पहले रोने गाने वाली परंपरा जो हमारी पहली पीढ़ी थी दलितों की, क्योंकि घुटने के बल सहसा अवस्था में जब दलित कविता थी तो हम अपना दुख रोते थे, बोलते थे कि तुम्हें दया नहीं आती, तुम मेरे जैसा हो के देखो, सुनो ब्राह्मण पसीने की गंध को देखो। लेकिन ये कविता जो दलित कविता असंग घोष के साथ इससे आगे चली जाती है, वो सरसन की कविता है, वो बार बार ललकारती है उसको, जो शोषक वर्ग है, उत्पीड़क वर्ग को, तो ऐसे ही ललकार की कविता जो है गुरिंदर आजाद के। तभी मैं इन्हें, कोई आदमी मुझे याद आता है गुरिंदर आजाद की कविता को पढ़ते हुए, तो वो कवि असंग घोष हैं, और आज वो उपस्थित हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपना एक वरिष्ठ जिसकी परंपरा में आप हैं, वो अगर उपस्थित हो, हाजिर हो आपकी कविता सुनने के लिए, तो इससे बड़ा हर्ष का अभी तक कुछ नहीं हो सकता है। जय भीम दिनमणि जी आ चुके हैं, जय भीम दिनेश जी, जय भीम रितेश रावत जी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं रितेश जी, उनको मैं बहुत शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं गुरिंदर भाई की कविता के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि कविता का कैनवस बहुत बड़ा है, ये धरती फलक के नीचे, आसमान के नीचे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे इन्होंने कविता नहीं लिखी हो। इनकी कविता में जहां जमशेदपुर का जिक्र आता है, जमशेदपुर डायरी, वहां के आदिवासियों के दुख दर्द का, तो इनकी कविता, अब पेरिस एयरपोर्ट पे ये बैठे हुए हैं कहीं जाने के लिए, तो वहां देसी विदेशी लोग का आवागमन जैसा एयरपोर्ट पे होता है, तो वहां भी ये कविता इनकी मौजूद है, आप देखेंगे। तो
तो इनकी कविता जमशेदपुर से पेरिस एयरपोर्ट तक जाती है और ये बताते हैं कि सारी मानवता एक सूत्र में बंधी हुई है, जो हम लोग एक रूमान या एक कल्पित आइडिया जो कवियों सवर्ण कवियों ने लिख रखा विदेशियों के बारे में, वैसा कुछ नहीं है। इन्होंने दिखाया है कि पेरिस में भी माँ अपने एक पेरिस एयरपोर्ट पे जो कविता इनकी है पेज नंबर 110 में वो पढ़ी जा सकती है, इनका जो कविता संग्रह है कंडीशन सप्लाई ये पेज नंबर 110 में और जमशेदपुर कविता 39 पेज नंबर पे है। तो ये दोनों कविताएं देखिए, ये जैसे रिगोबाटा मेंचू की कविता एंडिस पर्वत तक फैली हुई है, उसी तरह इनकी जो कविता है जमशेदपुर से पेरिस कम्यून और पेरिस जो एयरपोर्ट में एक माँ खड़ी है तो भी इंडियन माँ की तरह ही रोती है, हंस रही है, मुस्कुरा रही बेटे को विदा करते हुए, लेकिन भीतर आंसुओं का सैलाब है। वो जैसे ही चला जाता है उस कविता में गुरिंदर आजाद एक कवि उसके मन को पढ़ लेते हैं, बोलते हैं जरूर रोएगी, और बेटे के चले जाने के बाद ठीक इनके अंदाज के मुताबिक वो रोती भी है। तो वो कविता बड़ी सुंदर बन पड़ी है। तो इनके कविता को विस्तार को मैं बताना चाहता था। जो लोग संतोष भाई आ चुके हैं, जय भीम संतोष पटेल जी, संतोष पटेल साहब को मेरा सलाम अलैकुम है। तो वो ये कविता इनकी बड़ी विस्तार की फलक ली हुई, और इनकी कविता में आप देखेंगे कि व्यक्तिगत संदर्भ भी आते हैं। दलित कविता को जो दलित विमर्श में और एक बड़ी सीमित अंदाज रोने गाने वाली कविता के रूप में जो सीमित करना चाहते हैं, उन्हें गुरिंदर आजाद की कविता पढ़नी चाहिए, जिसका विधा और शिल्प बिल्कुल आजाद है। और उस कविता में आप देखेंगे कि एक तरफ गमे जाना है तो गमे दौरा भी है। वो जो एक शेर है जिसे आबिदा परवीन ने बड़ा खूबसूरती से गाया है कि गमे जाना भी गमे दौरा के बराबर से उठा, आग सहरा में लगी तो धुआं दिल से उठा। तो जब भी बाहर कुछ होता है, कुछ ऐसी घटना घटती है, तो वो शायर के दिल में वो निजी दुख बन जाता है। जो बाहर जब इनके भटिंडा शहर में हरमी टुड्डू आती है झारखंड से, तो हरमू टुड्डू का दुख गुरिंदर आजाद का दुख बन जाता है। इनकी कविता एक है हरमू टुड्डू के बारे में, सब चित्र, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे एक आदिवासी महिला का दुख गुरिंदर आजाद का अपना दुख बन जाता है। तो इनकी कविता का कैनवस बड़ा विशाल है। जय भीम, शैली किरण जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफी मुझे मदद किया गुरिंदर आजाद की कविता को समझने में, उनसे चर्चा होती रही और इस चर्चा से मैं काफी मुझे मदद मिली उस कविता को समझने में, इन्होंने इनपुट दिया। और ये पंजाबी बैकग्राउंड से ये भी हैं गुरदासपुर की, तो वो पंजाबी जो पंजाबियत है हिंदी में भी लिखते हुए, जैसे कृष्णा सोबती अंततः पंजाबी में ही लिखती हैं। अगेन ने तो यहाँ तक कहा था कि जब वो हिंदी में लिखेंगी तो मैं पढ़ लूंगा, तो इनकी हिंदी भी तो एक पंजाबियत लिए हुए, उस पंजाब जो पांच दरियाओं का जो सतलुज का लाल खून हो चाहे नीला, अलग अलग कलर का रंग आप देखेंगे, झेलम का अलग रंग है, झेलम का पानी पी के कश्मीर के मेरे पूर्वजों ने सांस लिया था, मैं समझ सकता हूँ। तो इसको मदद किया शैली जी ने काफी मुझे, मैं उसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हरमू टुड्डू मेरी भी प्रिय कविता है संतोष जी। तो मैं यही कहना चाहता था कि इनका कैनवस जो है बहुत ही बड़ा है कविता का, और ये इस दृष्टिकोण से इनकी जो दलित कविता है वो सिर्फ दलित विमर्श जो तथाकथित है वहां तक सीमित नहीं रहती, ये फलक के नीचे हर उस चीज के बारे में रखते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव, सोनी सोरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि या हमारे नेता एक हैं कुफिरदा, तो कुफिर नंगुलकर से लेके सब पे इनके दायरे में हर वो गम जो आसपास का आदमी का गम है, सोनी सोरी का वो गम हो जो आदिवासी महिला है, हरमू टुड्डू हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हमारे दलित कवि हैं फेमस, कोई नहीं बचता इनके दायरे में, इनके कवित्व के दायरे में। पंजाब से लेके जमशेदपुर, पेरिस सब शामिल है, मतलब ठीक काल में फैली हुई, अपने देश और काल से इतने संस्कृत हैं, इतने जुड़े हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनके काव्य संग्रह के पर्चे के रूप में जो औपचारिक पर्चे में देना चाहता हूँ कि कंडीशन सप्लाई इनका काव्य संग्रह है पहला, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था, साहित्य संवाद प्रकाशन जो शालीमार बाग दिल्ली में स्थित है वहां से, और इसका दाम मात्र 60 रुपये है। इसको मात्र
लोग 500 में किताबें बेचते हैं लेकिन मात्र लिख देते हैं 500, लेकिन इसका सचमुच में मात्र शब्द कहीं भी इनके व्यक्तित्व से लेके किताब तक में कोई बेमानी नहीं है। मैं इनकी ईमानदारी का इसलिए कायल हूँ। और वहां भी 60 रुपया आजकल कुछ नहीं होता है। आप चले जाएं, एक चाय वाला दुकान है, वहां 60 रुपया में आपको चाय भी नहीं मिलेगी, जबकि चाय वाला दुकान का नाम है, अलग अलग तरह की चाय कोनट प्लेस में वहां मिलती है। तो 60 रुपये मात्र इस किताब का दाम है। 14 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 74 कविताएं एक साथ आप पढ़ सकते हैं इस किताब में, और दिल्ली में ही उपलब्ध है। और मेरा अनुरोध होगा कि एक ऐसे, अगर आप एक अलग अंदाज की दलित कविता पढ़ना चाहते हैं, एक पंजाबी और उर्दू और हिंदी, ये तीनों भाषाओं का मजमुआ, जैसे अतर का मजमुआ होता है कि तरह तरह का अतर, तो ये खुशबू से भरी हुई जिसमें कि दर्द भी है और खुशियां भी हैं, दोस्तों के साथ साझा प्रतिरोध भी है, तो ये कविता संग्रह आप जरूर पढ़ें। आपसे ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी पर्सनल एक जाति आपसे इल्तिजा है, ये पढ़ें, मेरी प्रिय पुस्तक है ये। कंडीशन अप्लाई, और जिंदगी में किस तरह कंडीशन अप्लाई होता है, बड़ा एक व्यंग किया है। तो पहला सवाल मेरा गुरिंदर भाई से यही है कि ये कविता संग्रह हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी का माना जाता है, इन्होंने वापस हिंदी भाषा को संस्कृत में, जो संस्कृत निष्ठता कलिष्टता उसको कलिष्ट भाषा जो सवर्ण अकादमिया द्वारा बना दिया गया, वापस इस उसको एक रवानगी देते हैं, वो हिंदुस्तानियत जो एक रवान उर्दू और गंगा जमनी परंपरा जिसको कहते हैं कॉमन, तो वो उसमें देते हैं। ये हिंदी उर्दू की भाषा इसकी समझी जा सकती है। फिर भी इसका इन्होंने शीर्षक जो टाइटिल है, जो मौजू जिसे बोलते हैं, जो इसका मथेला भोजपुरी में जिसका शीर्षक इन्होंने अंग्रेजी में क्यों दिया है, ये मेरा अव्वल यानी पहला प्रश्न होगा गुरिंदर भाई से। गुरिंदर भाई शुक्रिया फकीर भाई, शुक्रिया जय भीम कारमा और सभी साथी जो उनसे जुड़े हुए हैं और जो अभी उपस्थित हैं इस पेज के ऊपर और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जय भीम आप सभी को। जहां तक कंडीशन सप्लाई टाइटल का ताल्लुक है, हुआ ये था कि हम सब जानते हैं कि टीवी पे बहुत सारे एड्स आते हैं और एड्स आने के बाद जो है वो फटाफट बोल के चले जाते हैं कंडीशन सप्लाई, तो बहुत जल्दी जल्दी, तो मेरे वो आता रहता था और वो जहन में बैठ गया। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि जिन जिन चीज़ों को मैं महसूस कर रहा था कि अपने जाति संघर्ष एंटी कास्ट मूवमेंट के नज़रिए से, तो देख रहा था कि ये वाला मामला तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, और ख़ास तौर के ऊपर जब हम लोग जितने भी बहुजन लोगों के सुसाइड्स हुए थे इंस्टीट्यूशंस में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे भी, तो उनको करते हुए बहुत अंदर तक ये महसूस हुआ कि आप अगर सड़क पे चल रहे हो, आप अगर इंस्टीट्यूशन में भागीदारी करते हो, आप पेपर एग्ज़ाम लिखते हो, आप कुछ भी करते हो, हर एक जो है उसमें कंडीशन अप्लाई है बहुजन के लिए, दलितों के लिए। तो उसको उसका हिंदी में अगर अनुवाद होता तो फिर वो शर्तें लागू होता, वो इतना ज़्यादा था नहीं, तो कंडीशन सप्लाई फिर अपने आप से ही वो हो गया। और मेरे जहन में पहले से ही आ गया कि जो संग्रह आएगा कोई भी, तो क्योंकि उसकी कविता पहले से ही लिखी हुई थी, तो मेरे को लगा कि यही किताब का मजमून होगा, यही टाइटल होगा उसका, तो बस इस तरह से हो गया, इतना कोई विशेष था नहीं इसके पीछे। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये मैं समझ सकता हूँ कि बड़ा सारगर्भित फिर आपने दिया कि हमारे जीवन ही कंडीशन और शर्तों के अधीन जिया जाता है। तो वो जो कविता है आपकी, जो एक आत्महत्या के बारे में आपकी कविता भी है, जिसमें एक लड़का आत्महत्या करता है और फिर आप उसके त्रासद जीवन के बारे में, जीवन अंत करने, तो क्या आप उस कविता के बारे में कुछ बताएंगे? आपने एक कविता लिखी है इस संदर्भ में जो आत्महत्या कर लेते हैं, एक छात्र के आत्महत्या के बारे में। जी जी, वो हर बार क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग का मामला रहता था और ये साथ में ये काम भी होता था, लिखने का काम भी था ही, तो उसमें मैं थोड़ा भावुक टाइप का हूँ, तो उसमें हुआ ये करता था अक्सर कि जब भी कभी
झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, मतलब इंस्टीट्यूशन में जाते थे, असर्ट करने की कोशिश करते थे, तो बहुत मन मन बहुत उद्वेलित होता था। तो उसी में लिख करके, और तो किसी का सर तो फोड़ नहीं सकते, तो लिख करके काम चलाना होता था। तो फिर वो उसी को याद करके या उससे बात करके, जिसने अपनी शहादत दी है उससे बात करके, उसे याद करके थोड़ा कुछ लिख लिया करते थे, वो इस किताब का हिस्सा बन गया। तो वो बहुत ही पर्सनल एक्चुअल में होता है, आई डोंट नो कि वो किताब में वो ठीक था नहीं था क्या था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही है कि जो भी मेरा अच्छा अच्छा बुरा, जो भी मेरे जहन का है, जो भी कुछ है, तो वो किताब के हवाले कर दिया। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ऐसा है, वो बहुत पर्सनल था, लेकिन उसको लिखा मैंने और फिर सोचा किताब में दे देना चाहिए। सबका सबका कहना था, कुफीरदा का, बाकी सबका, कि हाँ ठीक है ये। तो उनको एक्चुअली मेरा बहुत पर्सनल टाइप का मिलना था, जिन्होंने अपनी शहादत दी है इन इंस्टीट्यूशंस में, या फिर वेंट आउट था मेरा पर्सनल, और कुछ भी नहीं था जी। आपका आपकी कविताओं की मैंने विशेषता दी कि कभी भी आप जैसे कि सवर्ण कवि होते हैं अतीत में चले जाते हैं और मिथक, रामायण यही सब लिखते रहते हैं, लेकिन आप अपने वर्तमान से, समकाल से गहरे जुड़े हुए हैं। जो हलचले हैं, जो अत्याचार हो रहा है, उसको हमेशा आपने अपनी कविता में दर्ज किया, और जो यथार्थ अभी बदला नहीं है, जैसे कि हाथरस में भी घटना हुई एक दलित बच्ची के साथ, तो वैसी ही घटना हरियाणा के जिंद शहर में हुई थी, और बलात्कार की घटना, और उसमें जिस तरह दलित बच्ची वो भी मर गई थी, जैसे हाथरस की बच्ची अपनी मर गई, तो आपने कविता लिखा था वह अब नहीं है, और उस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि वह जो शायद उड़ना चाहती थी अब वह जिंदा नहीं है, यह जो अब जिंदा नहीं है वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, तीरगी से यानी अंधेरे से लड़ना चाहती थी, शायद अपने कल को बदलना चाहती थी, वह जो यह सब कुछ करना चाहती थी अपने सारे सपनों समेत कत्ल हो गई, अब वह जिंदा नहीं है। तो ये हालात अभी तक बदला नहीं, जबकि एक अरसा गुजर गया, ये कविता 14 से पहले लिखी गई, अभी 20 है, यानी कि 7-8 साल गुजर गए, फिर भी वो जो जुल्म का दौर रुका नहीं, और आपकी कविता उतनी ही सच है, उतनी ही प्रासंगिक है जो आपने लिखा कि अब वह नहीं है। तो अब वह नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन अब भी वही है, तो इसका क्या वजह पाते हैं, और इसके बारे में, और आपकी जो कविता क्या कर सकती है इस बारे में? देखिए, कविता अपने आप में कोई विशेष वो तो नहीं रखती है, लेकिन वो उसका उसका बाइस होती है। कविता क्रांति लेके नहीं आती, लेकिन क्रांति का बाइस होती है कविता, जो कविता होती है या जो लिटरेचर होता है, तो उसमें तो ये काम निरंतर होता रहना चाहिए, क्योंकि कोई लेख जो होता है वो किसी दीवार के लिखी हुई पे लिखी हुई एक एक गुस्से में और या जगाने के लिए किसी अखबार में लिखी हुई इबारत जो होती है वो दीवार पे लिखी हुई, वो कोई लेख नहीं हो सकता, वो किसी कविता की पंक्ति ही हो सकती है, वो ज़्यादा इंसान को झंझोरती है। तो उसमें सभी का योगदान रहता है, जितने भी यहाँ पे भी बहुत सारे मेरे मेरे बड़े और मेरे अजीज दोस्त यहाँ पे शामिल हैं, सबका ही वो रहता है, और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना होता है, मतलब सारी समाजों का फिनोमिना होता है जहाँ पे भी। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है इसके पीछे तो मतलब अगर कारण को बताना शुरू करेंगे तो वो तो एक अलग मौजू हो जाएगा, एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि ये आखिर चीज़ें बदली क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि जब 1997-98 में हम बैठ करके बातें किया करते थे आंदोलन की, और जब बहुत ही अल्लड़ उम्र में था मैं, और उस वक्त में जो सोचते थे और आज जहाँ पे बैठ करके सोचते हैं और अपनी नई पीढ़ी को पाते हैं जो जिन्होंने हमारी जगह ली है, कमोबेश वही बातें कर रहे हैं जो हम उस वक्त में किया करते थे। तो मामला तो पिछले 6 साल का है नहीं है, मामला तो इससे भी कहीं लंबा है, कहीं आगे का है, और इसके बारे में तो बेहद चर्चाओं की ज़रूरत है कि आखिर ये अभी भी सिनारियो जो है, अभी माहौल बदला क्यों नहीं है। वजह पता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा विषय हो जाएगा। फ़ाकिर भाई, शुक्रिया।
आपकी संग्रह की जो पहली ही कविता है वो ये है मधुर और शायर। तो मधुर और शायर कविता में मैं देख पा रहा हूं कि आपने लिखा कि जो मधुर है उसके आपने सवाल खड़ा किया है कि रात एक मधुर मेरे सपने में आया, कहने लगा शायर है तू, क्या तुझको भी मेरी दुर्दशा तकदीर का है दखल, पिछले जन्म के कर्मों से क्या तू भी जोड़ता है मेरे परिवार के हालात को। तो ये पिछले जन्मों के कर्मों से ये ब्राह्मणवादी दर्शन में जोड़ा जाता है कि पूर्व जन्मों का फल है जिसकी वजह से, शुक्रिया असंख्य कि आप सुन रहे हैं, तो वो पिछले जन्मों से। तो इस कविता से ऐसा लगता है कि आप मजदूर की बात करते हैं, तो आप पर जो वामपंथी कोई जो प्रगतिशील तथाकथित तरक्की पसंद नक्काद यानी आलोचक आप पर एक सवाल खड़ा कर सकता है कि आपने तो यहाँ दलित को मजदूर का पर्यायवाची बना दिया, क्योंकि पूर्व जन्मों का फल और आपने जो पैर से पैदा होने का भी जिक्र किया है कि इन दौड़ती हुई सड़कों ने कभी किया तेरा शुक्रिया, न ही कभी इन इंसानों ने मेरे लिए सजदा किया, इन पुलों से गुजरते हुए क्या तुझको नहीं लगा कभी गुजर रहा है तू जैसे मेरे सीने से होता हुआ, ये कंक्रीट के जंगल सभी क्या लगे हैं तुम्हें कभी मेरे पसीने से खामोश कत्लगा, वेदों की लिखते सभी क्या चाले कभी तुझको लगी सदियों में मेरे खिलाफ इन तिलकधारियों की। तो आपने एक तरीके से जो वो तथा कथित छोटी जाति के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनको आपने मजदूर का पर्याय बना दिया, जबकि जो कहा जाता है कि क्लास और कास्ट अलग अलग है और कास्ट और क्लास को एक नहीं समझना चाहिए जो तरक्की पसंद है, और आपने मजदूर ही उसको बोल दिया, यानी आपने दलित भी वो जो विवाद होता है उसको खत्म ही कर दिया एक बार की आपने। आपने जो मजदूर वर्ग है जो श्रमशील जातियां उत्पीड़ित जातियां दलित बहुजन उसको मजदूर का पर्यायवाची बना दिया, आप मजदूर से बात करते हुए और उसको वेद और तिलकधारी और उसके शोषण यंत्र से जोड़ दिया। तो ये जो सवाल उठाए जाते हैं इसके बारे में आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उनका वर्चस्व है और उसके वर्चस्व को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इन सवालों से हम दो चार। जी देखिए, शुक्रिया आपने प्रश्न किया है। एक्चुअली ये सामने आए भी हैं इस तरह के, जब आमतौर पे चर्चाएं होती होती रही हैं। दरअसल पहली बात तो ये है कि इस कविता में जो है वो, क्योंकि मैं अपने आसपास ही रहता हूँ, मतलब अपने अंदर रहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा मतलब किसी भी उसकी बात करता हूँ तो मैं, अगर वो उसका सिरा मेरे हाथ में बहुत होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो जितनी भी कविताएं हैं वो इसी का वो है। तो ये वाला भी जो है, इसका भी एक्चुअल में ये हकीकत है। ये जो कविता के जो बारे में है, ये हकीकत में मजदूर का ही मामला था। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कामगार हैं, मजदूर हैं हमारे जो कामगार, जितने भी लोग हैं, वही मेरे उस वक्त जहन में थे जब ये मामला था। अगर मैं ये कविता नहीं लिखता तो फिर मैं उनके साथ उनकी बात नहीं रख पाता, उनसे मैं अपने आप से न्याय नहीं कर पाता। मैं दूसरों की तो छोड़ ही दीजिए, मतलब मैं खुद से न्याय ना कर पाता अपने आप कि मैं अगर शायर हूं तो मैं ऐसा लिखा क्यों नहीं है। तो हो सकता है IAS IPS ये जो क्लास एक बन जाती है उसमें उनका वो, लेकिन ये मुद्दा तो मेरे सामने किसी किसी व्यक्ति का था, या किसी एक ऐसे व्यक्ति का था जो अपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। खास तौर पे इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं और वो जो सड़क के किनारे सोते हैं, जिनको कोई देखता, मतलब देखते सभी हैं लेकिन अधिकारों हकों हकूक की जंग के हिसाब से कोई नोटिस नहीं करता है, और अपने आप को अपने खुद से बात नहीं करता हूँ। तो ये मैं खुद से ही बात कर रहा था एक्चुअली, कहीं ना कहीं कि जब इनको देखते हैं और वो इसी इसी तरह की माहौल में, हरमा टूडू हैं या फिर बीना है या फिर और जो जितने भी पात्र हैं, वो सारे के सारे वो इसी दृष्टिकोण से हैं कि मैं कहीं ना कहीं वहां पे हूँ, मैं कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ या मैं खुद से बात कर रहा हूँ। और जहां तक ये वेदों इसका मामला था, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तो वाकई में हुआ था कि मतलब एक हमारे संतोख सिंह धीर करके पंजाबी के कवि हैं, और उन्होंने उनकी एक कविता थी जिसमें कि मैं पैर क्योंकि हम पैर हैं, मतलब कुछ ऐसे करके कविता थी। उन्होंने इसका जिक्र हुआ था कहीं पे,
तो ये वाली बात आई थी कि हम इतिहास को क्यों ओढ़ रहे हैं, वो बोला कि उसी मिथिहास में हम लोग पिटे हुए हैं, ठीक है। तो वो मिथिहास भी जो है हमारे ऊपर इतिहास बन के बरसा है, उसका कोड़ा जो है हमारे ऊपर इतिहास बन के पड़ा है। तो वो जाति तौर के ऊपर तो हम मिथिहास को नहीं वो करते हैं, लेकिन उस जब वो एक हथियार के रूप में हमारे पास आता है तो उसको तो एड्रेस करने की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो मेरा एक्चुअल में ये सोचने का वही यहाँ पे यही वो था कि मैं आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ रिगार्डिंग दिस व्हेन एक्चुअली इट इज़ मी, दिस शायर इज़ नथिंग बट मी। एक तरह से वो मेरे वो कोई भी अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में लिखते हुए ये मैं ही था, क्योंकि मेरे से पहली वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तर्क में नहीं गई थी, या बहुत रीजनिंग में, या बहुत क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। तो ये मैं जो चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये मेरी अभिव्यक्ति है कि अगर कोई मजदूर मुझसे सपने में आके पूछ रहा है तो आई शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड आई शुड ऑनेस्टली एक्नॉलेज दैट। तो वैसे वाला मेरा इस कविता में सोचना था उस वक्त में, जो शायद मैं याद कर पा रहा हूँ जब मैंने लिखा था। जी भाई जी, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे से आपने इससे अपने एक शायर के कंसर्न को समझाया। और अगला प्रश्न इसी से था जिनका आपने जिक्र किया, हरमा टुड्डू और बीना का, तो और पंजाबी कविता के बारे में भी मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले ये एक मुझे बड़ा इस कविता को पढ़ते हुए अतीत के पटल पे कुछ सब चित्र जो हरमा टुड्डू के बारे में है, तो इस कविता को मैंने बड़ा भिन्न पाया जो इस संदर्भ में जो तमाम कविताएं, ये एक गाना है अफेरकन इस्टीमेला यानी रेलगाड़ी ट्रेन, जहाँ एक रेलगाड़ी को बड़ा अभिशाप दिया जाता है कि हमारे सारे लोगों को बूढ़े बच्चों को खान में लेके चली गई। और ये तो वहां पर जो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा है, अभी एक गाना भी बड़ा कि बंबई में काबा, इस तरह से एक बुर्जुआजी दृष्टिकोण से एक गाना फेमस हो रहा है। लेकिन उस गाने से अलग आप देखिएगा, उस गाने की बात करें या भिखारी ठाकुर एक भोजपुरी के कवि हुए हैं, उन्होंने भी प्रवासी मजदूरों के बारे में विदेशिया नाटक लिखा है। तो इन सारे नाटकों का जो कॉमन थीम है वो ये है कि वो पति या जो भी प्रिय व्यक्ति वो चला जाता है परदेश कमाने के लिए, और फिर पत्नी पीछे रह जाती है और वो वहां कमाता है और ये बिरह में अपना घुलती है। तो प्रवासी के दर्द का अर्थ हो जाता है वही बिरह का, जो नोस्टाल्जिया का दर्द है। तो वहां पे ये काफी फेमस एक मोटिव, एक कविता की रूढ़ी तक बच गई। और आपने देखा होगा कि पंजाबी गानों में भी जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं ये पीड़ा व्यक्त होती कि डूब डूब जावे दिल मेरा, वो जो गाना है नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है, तो उस गाने में भी परदेश में कोई चला गया है। या ऊंचिया लंबिया तालियां जो गाना है उसमें भी एक मछुआरे परदेश की ही बात है। लेकिन यहाँ जो आपकी कविता है, इस कविता में दो बातें मुझे बड़ी मार्के की लगी, वो ये कि आप जो लिखते हैं, मैं कविता पढ़ूंगा ताकि दर्शकों को और बेहतर समझ में आए मेरी बात, कि अमृतसर की एक फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की खेप में, अमृतसर की एक फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की खेप में आई है हरमा टुड्डू अपने पति राजू के साथ 1200 माहवार पगार पर, 2200 प्लस राशन तो दरअसल कागज पे है। तो इसमें ये शुरुआत ही कविता की जो पृष्ठभूमि आप देखेंगे कि उस तरह शुरू होती है। एक फिल्म है साल्ट ऑफ द अर्थ, प्रसिद्ध हॉलीवुड के टॉप 10 बीबरमैन थे एक निर्देशक, टॉप 10 उनको टॉप 10 में रखा जाता है। उन्हीं की पत्नी को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था, उनके पति बीबरमैन ने फिल्म बनाई थी दी साल्ट ऑफ द अर्थ मजदूरों के ऊपर। तो वो मुझे इसलिए याद आ गया कि वहां पर भी इसी तरह मजदूरों के दर्द को, और वो फिल्म भी इसी तरह शुरू होती है कि एक फैक्ट्री है मेक्सिको है। तो आपकी भी कविता फैक्ट्री के जिक्र के साथ वो शुरू होती है। और उस कविता में सबसे विशेष चीज ये आया कि ज्यादातर जो एजेंट है पति है, और पति आया हुआ है, पत्नी पीछे छूट गई है, लेकिन आपके कविता में मजदूर बन के पति पत्नी दोनों साथ आए हैं, पत्नी भी मजदूर है, पत्नी पीछे नहीं छूटी है। और दूसरी जो मार्के की बात यह है कि यहाँ पत्नी अपने साथ पति को लेके आई है,
यानी मैं हरमा टूडी को अपने प्रधानता जो आदिवासी में स्त्रियों की जो केंद्रीयता है, मतलब केंद्रीय पात्र आपके हरमा टूडू है, यानी उसका पति राजू की कहानी ज्यादातर हम जो कहानियां सुनते हैं पति के बहाने, गांधी के बहाने कस्तूरबा गांधी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर राजू जो उसका पति है उसका कहानी हरमा टूडू के बहाने आप राजीव टूडू का नाम आता है। तो ये जो दो मार्के की बातें जो आदिवासी समाज के जो मजदूर आए हैं, और बाकी ऐसा नहीं कि वो सच नहीं है जो विदेशिया में भिखारी ठाकुर लिखते, वो जो पिछड़ी जातियों का सच है, किसान जातियां प्राय खेती बाड़ी के लिए अपने पत्नियों को छोड़ देते हैं और शहरों में आ जाते हैं और वहां विरह वगैरह प्रमुख हो जाता है, लेकिन आपकी कविता में पति पत्नी का दर्द, वो जो मजदूर होने की जो समस्या केंद्र में है, जो कि कम्युनिस्टों को ऐसी कविता लिखनी चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट भी उसी विरह की कविता लिखते रहे। और आपने, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक नए विमर्श को कविता में सामने लाया, कि आपने ये बात रखी उनके शोषण की कि उनको तो साइन करवाया जाता है 2200 प्लस, कुछ 14 की कविता है तो 14 में 2200 प्लस राशन पानी फ्री में दिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है महज उनको 1200 रुपये। तो ये जो शोषण को भी आप सामने लाते हैं उत्पीड़न के साथ, जिनको दलित दलित कविता पे जो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ आइडेंटिटी पहचान की बात करती है, तो उनको करारी जवाब है ये कविता कि इसमें शोषण की भी बात है कि कैसे 2200 प्लस राशन की जगह 1200 ही दिया जाता है, उसको पूरी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती है, सरप्लस वैल्यू और ये सब मार्क्सवादी बातें छोड़ दें। तो इस कविता के बारे में कि इतनी अलग ढंग की कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहां से आई, और ये बड़ी आस पास लगता है कि आपकी जिंदगी के हिस्सा है, तो क्या ये अर्थात से आपने ये कविता उठाई या आपकी ये कल्पना और आपके दर्द का है, उसका उपज है, सपने में आया हुआ कोई बिंब है क्या आपके आसपास घटित हुई है? नहीं नहीं, सपने में आया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हुआ दरअसल ये है कि मैं उस वक्त में अमृतसर में था और वहां पे एक बहुत बड़ी मिल है, पेपर मिल, मेरी वहां पे नई नियुक्ति हुई थी और मैं अकाउंट्स और स्टोर इंचार्ज हुआ करता था, और वहां पे कंस्ट्रक्शन के काम में ये खेप आई थी, और वो 89 डेज के लिए हर खेप आती है, रिपीट नहीं होती कोई, और हर तीन महीने का 89 डेज का मामला होता है, तो वहां पे ही ये खेप आई थी। और ये जितने भी किरदार हैं, ये जितने उनके नाम हैं, ये सारे असली नाम हैं, ये रोज मेरा उनसे वास्ता होता था, और झगड़े के बाद मैंने वहां से रिजाइन किया था। वो एक अलग विषय है, लेकिन ये हकीकत के हैं और ये बिल्कुल वही हैं, और ये बेगैरत काम भी मेरे ही हाथों होना था कि मैंने ही उनका अंगूठा लगवाया है, जहाँ पे 2200 जमा राशन है जो इसमें लिखा है, उस कागज के ऊपर जो अंगूठा लगाया है वो मैंने ही दिया है उनको, क्योंकि मैं अकाउंट्स में था, और इन्हीं सब कई सारे चीजों की वजह से मैंने रिजाइन दिया वहां से बहुत कम समय में। तो ये तो वैसे ही है मतलब। और दूसरा ये है कि जो हरमा जो थी वो हर बार आ जाती थी कि कोई ना कोई उसकी डिमांड होती थी, और उसका पति हमेशा उसके पीछे खड़ा होता था, तो वो आगे बात करती थी लेकिन राजू जो थे वो पीछे रहते थे। तो आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों था, तो इसी वजह से वो भी हरमा टूडू जो है इसकी मुख्य तौर के ऊपर मेरे जहन में आई, और उनके कंसर्न, क्योंकि मैं बात करता था उनसे और उनको हिंदी बेहतर आती थी, क्योंकि वो बंगाल के ट्राइबल शायद उनसे से, तो उनको लेकिन हिंदी कम आती थी बाकियों को, लेकिन इनको आती थी, तो मेरी इनसे ज़्यादा बात होती थी। हरमा टूडू थी, राजू थे, और जलालुद्दीन थे, कई सारे लोग थे, अभी भी मेरे जहन में उतनी जिंदा है। और ये मैंने कविता 2002 या 2003 में लिखी थी, क्योंकि मैं यही वो वक्त था जब मैंने वहां से रिजाइन दिया था अमृतसर से। तो ये हो जाता है, मुझे लगता है इसमें कोई विशेष, कम से कम बहुजनों के लिए सोचने की बात नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग ऐसे ही होता है, उनको बनाना नहीं पड़ता, उनका दिमाग बना हुआ होता है एक्चुअली। तो नथिंग वेरी कंक्रीट दैट यू नो आई शुड से कि ये वाली कविता में बहुत मैंने सोच करके वो किया है। और जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं बहुत सोचता नहीं हूँ, जब कविता खत्म होती है तो अपने आप कलम रुक जाती है, वैसा होता है, तो बहुत सोच के लिखना नहीं होता, तो शायद ये उसी में से सब कुछ आ गया होगा, आई डोंट नो। वो दर्शकों के, पाठकों के ऊपर ज्यादा रहता है वो क्या नोटिस करते हैं। मैं अपना काम कर ले, कोई भी
कोई भी लेखक या शायर अपना काम कर लेता है और देखता है अपने अपने पाठकों को अपना आईना मान के चलता है। जी बहुत शुक्रिया, मैं चकित हूँ आपके निर्मम ईमानदारी पे। शायद ही कोई आदमी इतना साहसी होगा कि अपने उस शोषण चक्र में अपने हिस्सा होने को, उस मजबूरी से शामिल होने की इतने साफ गोई से स्वीकार करे कि वो अंगूठा लगाने वाला मैं ही था। मेरे लिए बड़ी बात है इतनी निर्मम ईमानदारी, और मैं भावुक हो गया आपकी इस बात को सुन के। और ये कविता इतनी बड़ी है कि मैं इस कविता पे एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो कविता यथार्थ कविता है तो स्पष्ट हो गई, तो क्या हम ये माने कि जो बिरहा की कविता इतना जो इसको रोमांटिसाइज किया जाता है कि उसके दर्द में, और उसके बरक्स ये ज्यादा यथार्थ है कि पति पत्नी, चूंकि उसका इतना एक आदमी का इतना मिनिमम सब्सिस्टेंस, जो इतनी मजदूरी जो कास्ट इकोनॉमी में इतनी कम मजदूरी है वो है कि एक आदमी के कमाने से घर ही नहीं चल सकता, इसलिए सिर्फ पति कमाता है और घर पर, ये जो पेट्रियार्की का स्ट्रक्चर जो सवर्णों में है वही स्ट्रक्चर हम पे थोप देते हैं कि पत्नी उसकी आश्रित है। तो यहाँ पर ऐसा है कि पति पत्नी दोनों को कमाना जरूरी हो जाता है जो कास्ट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। तो वो कविताएं जो लिखी जाती कहाँ तक सच है? मैं जान, आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारीपूर्ण, ये कहीं झूठ तो नहीं जो इतना बड़ा मिथ खड़ा किया गया है। एक आशा सिंह करके आलोचक हैं, नारी विमर्श में पढ़ाती हैं आशा सिंह, उन्होंने भी लिखा था कि ये झूठ है। तो आप इसको, क्योंकि आप दो चार हैं और आप इसके हिस्से रहे इस अर्थात के, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, हमारे लिए काफी वो महत्वपूर्ण होगा। देखिए ये जो माइग्रेंट का मामला है, ये जो जितने भी मैं जितना मेरी अकल से मैंने देखा है और समझा है जो, और मेरे निजी जीवन से भी गुजरा है, उसमें तो मैंने ये चीज बहुत शिद्दत से पाई है कि ये जो नई तरह का दौर जो आया जिसे ब्राह्मणिकल कैपिटलिज्म कहा जा सकता है, कि जिसमें कि जो उनका उनका हर चीज जो है उसको उसको प्रभावित किया उन्होंने, तो उनको जो है माइग्रेंट वर्कर बनना पड़ा। और ये आज की कवायद नहीं है, बहुत पुरानी कवायद है, लेकिन जो नए सिनारियों में आए हैं उनका 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 दुख कुछ और है, उसमें कुछ और भी जुड़ गया है अब की बार। तो लोगों के जो जो छोटी सी अगर किसी के पास अगर गाँव में भी जमीन है, अब की बार वो भी चली गई उनकी, तो उस नाते जो है वो अपनी रियलिटी के साथ अपना आते हैं। जहां तक अब सवाल तो सर्वाइवल का है, सवाल उन बच्चों का है, जैसे कि हरमा की जो सासू माँ है या जो उनके वहां पे जो उनका जो है, तो तिजारत के शिकंजे में जो उनकी जमीन आई है, इसका मतलब यही है कि अब वो जमीन उनकी नहीं है, उनको छुड़वानी पड़ेगी। उन्होंने पट्टे पे कुछ लिया होगा जैसा कुछ होता है, और अब उनको छुड़वानी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे आए थे और दोनों आए थे और सहमति से आए थे। और हरमा इतनी ज्यादा वो थी कि अपनी सास को बहुत याद करती थी वहां पे, क्योंकि बहुत अच्छी रही होगी वो। और उन्होंने ये वाली बात भी मैंने थोड़ी सी शायद कविता में लिखी होगी कि जब वो वापस जाएंगी तो क्या वाकई में हाल जो है सलामत हो जाएंगे, ये सलामती के हाल बरकरार हो जाएंगे क्या, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसका जवाब मुझे भी नहीं पता था उस वक्त में, जब ये 2002 या 3 की बात होगी, तो उस वक्त में मुझे पता नहीं था उन हालातों के बारे में कि, लेकिन वो जो है कि मेरे सामने भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो है। जहां तक बिरहा का मामला है या इस तरह की चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर रोटी का मामला सामने खड़ा हो जाता है तो बिरहा या बाकी सब चीजें वो बहुत बड़े मुद्दे होते हुए भी, वो बहुत बड़ी गहरी बातें उनसे वाबस्ता होते हुए भी, लेकिन वो पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि रोटी और अपने बच्चे को भूखा देख करके कोई भी माँ जो है या कोई भी पिता जो है वो क्या क्या कर नहीं गुजरता, कौन कौन से सितम नहीं उठाता है। तो मुझे लगता है कि वो बिरहा बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल और बहुत ज़्यादा एकाकी एहसास है, जिसमें कि शायद कोई दूसरा शामिल ना हो, लेकिन इसमें लोग आपको आप एसोसिएट करके हुए देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने इन कविताओं से अपना एसोसिएशन वो किया है, इन द वे कि उन्होंने कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने लिखी है और ये सब किरदार जो है मेरे आसपास है। कुछ लोगों ने मुझे इन कविताओं को पढ़ के ये कहा था, लेकिन जबकि बिरहा का मामला मुझे बहुत एकाकी लगता है और वो बहुत पर्सनल है, लेकिन बहुत उतना ही
सच और उतना ही संवेदनशील हो सकता है, लेकिन वो एकाकी मसला भी है कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता मैं कि इसको इसके ऊपर कौन से डिस्कोर्सेज खड़े हो चुके हैं अभी, और बात जो है किस एंगल एंगल से निकल के कौन से एंगल पे जा रही है अभी, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी कम है। बहुत अच्छा शब्द चित्र मेरे हिसाब से तो आपने खींचा है। इसके रूप में कई करेक्टर, इसमें एक चंपी करके भी हैं, उनका भी करेक्टर है, वो बड़ा ही मार्मिक है। और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। सीने में एक चुभन लिए तब अपने घर के पास उस झाड़ी के पास जाकर देर तलक मैं बैठा रहा, जहां चंपी अम्मा अपना टूटी डंडी वाला कांच का कप रखती थी, कभी कभी मांग कर चाय पीने के लिए। थोड़ी सी पंक्तियों में पूरी त्रासदी को कि एक टूटी डंडी वाला कप और चाय भी मांगी हुई, अपनी नहीं तो वो पीती थी। और बड़ा ये मार्मिक एक आपने कविता लिखी है, जिसमें कुछ कहना समझा जा सकता है। चाहोगे? और मैं इसलिए आपकी कविताओं के माध्यम से मेरा साक्षात्कार एक पैरेलल यथार्थ से हुआ। जो आपकी कविताओं में मैंने देखा कि जो बाकी कवि हैं, स्वर्ण कवि हैं खासकर, तो पहले से दिया हुआ यथार्थ उनके पास है, एक आइडियोलॉजी है, एक पहले से एजेंडा है, तो उसी को खूबसूरत शब्दों में रख देना वो कविता का सबसे मेन उद्देश्य समझते हैं। लेकिन आपकी कविता पहले से नहीं है, रचते हुए जब कविता आप रचते हैं तो यथार्थ प्रकट होता है। यथार्थ प्री गिवेन नहीं है, पहले से गिवेन नहीं है, तो अर्थात सीधे सीधे सामने आपके कविताओं में आता है। तो इसी तौर पे कविता जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पेरिस कविता है, जो काफी व्यक्तिवादी कविता किसी को लग सकती है, व्यक्तिगत चेतना की कविता लग सकती है, लेकिन मैं उसमें सार्वभौम मनुष्यता को देखता हूँ। तो उस कविता के बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप पेरिस एयरपोर्ट पर वेट करते हुए आप कहाँ जाने वाले थे जब वो कविता लिखी गई जी? एक्चुअली वापस आ रहा था, दिल्ली वापस आ रहा था, और वहाँ पे था मैं, और बाहर बहुत महंगा था तो कमरा किराए पे मतलब होटल वगैरह लेना बहुत महंगा था, तो मैं आई आई स्टेड एट एयरपोर्ट फॉर 38 आवर्स। तो क्या करता मैं तो लैपटॉप का चार्जर भी वैसा ही नहीं था, मतलब जैसा वो उधर के उस हिसाब से होता है, तो वो मेरा लैपटॉप भी जवाब दे गया था। तो किताब थी मेरे पास जावेद अख्तर साहब की, वो मैंने 2-3 बार पढ़ चुका था, क्या करता मैं। तो कुछ पन्ने थे मेरे पास, मेरी डायरी भी भर गई थी एक्चुअली, तो बहुत संकोच संकोच करके उसमें से ये मैंने चीज़ें लिखी थी, और आसपास बैठा हुआ था चुपचाप और देख रहा था सिर्फ। मैं इस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देख रहा था कि मुझे कविता लिखनी है, तो जो मैं देख रहा था बस, मैं फिर एकदम दिमाग में आया कि लिखना, लिख क्यों नहीं लेता जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो लिख दिया। तो ये फिर पेरिस वाली डायरी बन गई वो एयरपोर्ट पे। तो वो 38 आवर्स मैं वहाँ पे बैठा रहा था, और कुछ करने को था भी नहीं, और मैं सिर्फ लोगों को पढ़ सकता था, लोगों को देख सकता था, लोगों की आंखों में झांक सकता था, उनके चेहरे के, उनकी झुर्रियों में उनके भंवर जो है, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा, और बहुत गौर से देखता रहा, बच्चों को अपना बेटा याद आता रहा वहाँ पे, कबीर, कई सारी चीज़ें एक साथ में घटती रहीं। तो मुझे लगा कि मैं खुद ही कहीं एकदम एकदम उलझन सी में ना आ जाऊं मैं, क्योंकि एक ख्याल जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो शायर के पास और कोई चारा होता नहीं है, फिर वो लिखता है और बचता है एक्चुअली पागल होने से तो वैसे नहीं, ही लिखी था। उसमें उस कविता में आपने जिस माँ का जिक्र किया है, तो क्या हाँ उसी जो अपने बेटे को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आई थी, तो यस यस क्या यस यस उसी से आपको अपने बेटे की याद आई कबीर की? जी नहीं, वो वहां पे जाहिर सी बात है, लेकिन और भी बच्चे खेल रहे थे और वो मेरे पास भी आते थे, लेकिन लेकिन थोड़े संकोच करते थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा है और ऐसा करके। लेकिन वो जो माँ थी और कुछ और भी लोग थे, लेकिन जिस तरह से वो जिस अंदाज से वो एक्टिंग कर रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चला जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तेरे करियर का सवाल है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने उनसे पूछा नहीं है, जी लेकिन मैं जी जो सोच रहा था उस वक्त में, तो और मेरे को लग रहा था कि, मैंने कहा ये अब रोने वाली है, ये अब रोई की अब रोई। तो जैसे ही वो लड़का और वो जो एस्केलेटर पे चला गया, मैं भी देख रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था,
और जैसे ही वो ओझल हो गया लड़का, उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगी। और ये सब चीजें सामने ही थी, सामने से हुई है ये चीजें। मुझे लगता है वो हर एक माँ का वो होगा अपने बेटे के लिए प्यार जो है। तो इस कविता ने, आप कविता में एक बात की जिक्र करता दिया है आपने, उसका मैं खुलासा अपने बस संकेत इशारा करके छोड़ दिया है कि ये जो विदेशियों के बारे में राय बनाई जाती है वो गलत है, अर्थात ये है कि वो भी, तो वो उसको थोड़ा खुलासा और मैं तफसील में जानना चाहूंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं उस पर, कि ये जो भारतीय लोग बनाते हैं उनके बारे में राय वो सही नहीं। मैं भी उनमें शामिल था कि किसी वक्त में लगता था कि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय मतलब कोट अनकोट भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ज्यादा, और हम वर्ल्ड लीडर है, और मुझे लगता है मैं खुद इसका मानना चाहिए हमको जो सच है। लेकिन जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया 2003-04 के बाद में पहली बार पंजाब के मतलब साउथ में मैं पहली बार गया था, और जब मैंने बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू, क्योंकि एथीस्ट रेस्टलेस मूवमेंट में था और इसका क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता, तो मैंने जब जानना शुरू किया तब मुझे पता चला कि हाँ सभी व्यक्ति एक जैसे ही होते हैं, और जहाँ तक इंसान होने की बात आती है, और लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली कि हम ज़्यादा बड़े हैं, हमको ज़्यादा पता है, हमको वो मेरे सारे भ्रम वहाँ पे टूटे एक्चुअली। और यहाँ पे अभी भी जो लोगों को बहुत एक्सपोजर नहीं है, अभी भी जो लोगों को दो वक्त का रोटी नहीं मिलता, तो वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे अपने पूरे पूरे पूरे, यहाँ पे लोग मर जाते हैं लेकिन वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते पूरे पूरे भारत को। कभी शायद ही किसी ने देखा होगा कि हाँ मैं सारे के सारे राज्यों को घूमा हूँ, सारे सारे के सारे, ऐसा कोई दावे से नहीं बोल नहीं सकता। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सुने सुनाए बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरों के अनुभवों पर आधारित हैं, और जो दूसरों के अनुभव हैं वो स्वर्णों के ज़्यादा हैं। तो स्वर्णों ने जो माया तंत्र रचा है उसी में हम उलझते हैं। यहाँ पे एक ही बात कह के मैं छोड़ूंगा कि हमको ये बताते हैं कि हम वर्ल्ड वर्ल्ड के गुरु हैं या संस्कृति में हमारा कोई सानी नहीं है, और अंग्रेजों की औरों की बुराई करते हैं या जितने भी वो हैं कि हमसे तो इनको तो अपनी फिल्मों में हम देखते हैं कि जो बनती हैं उसमें किस तरह से वो गोरों का या कोई भी मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं कि हम वो स्पिरिटिव कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। और वही वाले स्वर्ण जो फिल्में भी बनाते हैं या लिखते हैं, और वही जब वहां पे जाते हैं तो एकदम से उनके साथ घी शक्कर होकर के रहते हैं वहां पे, एकदम उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हम वैसे, लेकिन वो वहां पे भी अपना स्वर्ण दर्शन छोड़ते नहीं है और अपने आप को वहां पे भी गोरों को या फिरंगियों को गुमराह करते रहते हैं कि उनको। तो मेरे को याद आता है बाबा साहब का वो कथन कि जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी तो ये भारत की प्रॉब्लम है, जाति समस्या, बोले जैसे जैसे ब्राह्मण बाहर जाएंगे विदेशों में ये पूरे विश्व की समस्या बन जाएगी। जी तो बहुत अच्छा, मैं जानकर लगा कि आपने एक अर्थात ज्यादा एक ईमानदार तस्वीर पेश की, और आपके कवि की सबसे बड़ी विशेषता आपकी बौद्धिक ईमानदारी मुझे लगती है। तो इसके बरक्स मैंने देखा कि आपने दुख दर्द की ही बात नहीं की, आपकी कविताओं के अंदर एक जिसको मैक्सिम गोर्की बोलते थे कि क्रांतिकारी आशावाद, रिवोल्यूशनरी रोमांटिसिज्म, एक आशावादी कि लड़ेंगे और जीतेंगे ऐसी भावना है। जैसी एक कविता आपकी है कारवां के अंग संग, ये कविता मुझे पसंद है, हमारे चैनल का भी नाम जय भीम कारवां है, तो कारवां शब्द बड़ा मेरा प्रिय शब्द है क्योंकि चलते रहने और निरंतर यात्रा का, रुकने के खिलाफ गति का ये प्रतीक है। तो कारवां के अंग संग कविता में मैं पढ़ रहा हूँ इसकी चंद पंक्तियां ताकि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा समझने में सहूलियत हो। कई जुगनू अंधेरे को चिरकर जगे, कई जुगनू अंधेरों को चिरकर जगे, अपनी हैसियत को जानकर जिए, अपनी हैसियत को लान कर जिए, लड़कर जिए, मरकर जिए, कारवां के दीपक जलाकर बुझ गए, जी गए। तो आप हमेशा जीने की बात करते हैं ऐसा देखा जाएगा, और आप फिर मतलब एक आशावाद जैसे कि कारवां, और आपने बहुत बड़े आपके एक मेटा नैरेटिव यानी महाख्यान का भाव या बहुत बड़ी लड़ाई की बात
जो पूरा विश्वव्यापी इसकी बात नहीं करते, इसलिए एक रूपक मेटाफोर के रूप में सूरज नहीं आता है कि सूरज नहीं, अब जुगनू का प्रयोग करते हैं, यानी छोटे छोटे संघर्ष हैं जो उत्तर आधुनिक दर्शन में भी जिसकी बात, या पोस्ट कोलोनियल उत्तर औपनिवेशिक दर्शन में भी जिसकी बात है कि बड़ी लड़ाई मेटा नैरेटिव का खारिज किया आपको लियोतार वगैरह ने भी, तो आपकी कविताओं में भी कई जुगनू यानी छोटे छोटे बहुत सारी लड़ाइयां, मैं इस मेटाफोर में कई जुगनू को देखता हूँ, एक सूरज बड़ा सा नहीं, एक व्यापक लड़ाई अम्ब्रेला मार्क्सवादी नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद कई जुगनू अंधेरे को चीर कर जगे, अपनी हैसियत को जान कर जिए, मतलब अपनी हैसियत है वो भूले नहीं है, वो अपनी सीमाओं को जानते हैं फिर भी अपनी हैसियत को लांग कर जिए, इस डायलेक्टिक्स को आप कविता में बड़े खूबसूरती से लाते हैं, लड़कर जिए मरकर जिए, मतलब मरकर भी वो जिए लड़ते रहे, कारवां के दीपक जलाकर बुझ गए जी गए। तो इस संदर्भ में मेरा यही पूछना था कि आपकी एक पुरानी एक कविता है जिसमें बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने अपनी कविता में उसका प्रकाशन कब लिखा वो भी दिया हुआ है, लेखन वर्ष दिया हुआ है। यही दलित कवि और एक सवर्ण कवि का फर्क होता है, वो मिथकीय होता है, वो इतिहास बोध काल को मिटाना चाहता है, वो कालातीत होना चाहता है, लेकिन आपने हर कविता के अंत में उसका लेखन वर्ष दिया, आपको बहुत धन्यवाद। तो ये 10 की कविता लिखी हुई है, इसके बाद एक दशक बीत गए, तो क्या आज भी आप उसी मनस्थिति में आशावादी, या वक्त बदला है और आप निराश हुए हैं क्योंकि पिछले वर्षों में कुछ खास नहीं हो सका, बल्कि उल्टे थोड़ा सा मायूसी का वातावरण, एक कंफ्यूजन का वातावरण, एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस, एक लीडरशिप में क्राइसिस देखी गई है, जो लड़ाई है हमारी उसके संदर्भ में, तो आप की वर्तमान में मनोस्थिति जानना चाहूंगा इस कविता के संदर्भ में। ये तो काफी आशावादी कविता है कारवां के अंत में, तो कारवां जारी है या रुका हुआ है? जी देखिए, कारवां तो कारवां कभी रुक नहीं सकता, वो हम रहे ना रहे ये तो तय है, लेकिन पिछले 10 साल में या काफी वर्षों में, ये पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है बहुत सारे लिटमस टेस्ट हुए हैं, बहुत सारा हमारे जो एक जो बहुजन विचारधारा का इंजन है जो बहुत बहुत भारी है, जिसके नागवार रास्ते हैं और चढ़ाई है, तो उसमें उसमें तो वो भी चेक हुआ है, वो इंजन भी चेक हुआ है अब की बार कि इसमें कितनी अभी जान है। जैसे मेरे एक मित्र थे अभी खाका, वो अभी नहीं रहे, वो कहते थे कि मतलब एक बार बोला कि कब हर 2-4 साल में खुद को अपनी गाड़ी को ना जो है पहाड़ों पे ले जाना चाहिए कि उसमें कितनी जान अभी बाकी है। तो बोला कि क्लीन सड़कों के ऊपर तो सभी गाड़ियां चल ही लेती हैं, लेकिन हमको अपनी, तो वो भी अब की बार हुआ है। तो बहुत कुछ अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आहत नहीं हुआ हूं या फिर हम अंदर से नहीं कहीं टूटे हैं, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन चलने के अलावा तो कोई रास्ता बचता नहीं है। कविताएं लिखना थोड़ा कम हुआ है अब की बार, और बहुत सारा अभी दिमाग में वैसे आता नहीं है ज्यादा, मतलब मेरा ज्यादातर ऐसा हुआ है कि खुद ही जहनो दिल बोलते हैं कि कुछ लिखा जाए, लेकिन अब की बार वो एक बहुत बैलेंस अप्रोच होती है, बहुत बहुत बैलेंस वाला मामला होता है कि जहाँ पे आपका गुस्सा भी आपके थोड़े से तो काबू में है, या आपको कम से कम भाग रहा है लेकिन आप नकेल डालते हो उस पे, हाथ में तो है उसकी लगाम, और शब्द भी जो है वो बराबर चले आते हैं अपने आप से, और माहौल भी अपने आप से, चाहे भीड़ है चाहे कुछ भी, बन जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, तो अभी लिखना कठिन हो गया है, तो इसका मतलब है कि असर तो आया है। लंबी कविताएं लिखने में काफी देर से बंद कर दिए हैं, नहीं हो पा रहा है, तो एक जगह पे मैंने भी लिखा भी था, आई डोंट रिमेम्बर, कि जब कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में तो शब्दों को तकलीफ क्यों दूं मैं, तो लिखता नहीं हूं, कम लिखता हूं जी, तो ये टूटन फूटन तो कुछ हुई है जी। यानी कविता लिखना शब्दों की कहीं ना कहीं तकलीफ भी देना है, ये बड़ी खूबसूरत बात अपने कही, मैं इसको नोट करता हूँ कि कविता मतलब बेवजह नहीं लिखनी चाहिए, शब्दों को तकलीफ तभी देनी चाहिए जब कुछ कहने को सार्थक हो, और आपने सब बहुत सार्थक कहा है बेशक, और
मैं एक दूसरे दायरे में आना चाहूंगा जो भाषा का दायरा है, कि आपने अपनी कविताओं में बड़े उर्दू जिसको कहा जाता है उसका बड़ा आजादी से, बड़ा आपने छुटकर, मतलब पूरा छुटकर उसका उपयोग किया है, तो ये प्रभाव जो है उर्दू का आपकी कविताओं में, क्या पंजाबियत के माध्यम से आता है? क्योंकि आप देखेंगे पंजाब में उर्दू का अच्छा खासा प्रभाव था, तासीर था, और जितने ये जो ज्यादातर तो उर्दू कवि जो होते हैं जो समझा जाता है वो उर्दू कवि मुसलमान लोगों को समझा जाता है, लेकिन पंजाब से राजेंद्र सिंह बेदी हो, कृष्ण चंद्र हो, तमाम देखिएगा कि उर्दू के कवि हिंदू रिलीजन वाले भी आते हैं, तो पंजाब में काफी लोग जो हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं था, सब उर्दू पर, तो वहां से उर्दू के प्रति आपका जो लगाव, आपके कविताओं में उर्दू की जो रवानगी सब जगह नमूदार होती, बड़ी खूबसूरत उर्दू दरपेश है आपकी कविताओं में, तो इसके बारे में कुछ बताएं जी। ये बहुत ही सहज हुआ है क्योंकि वो पंजाबी में बहुत सारे उर्दू के, फारसी के शब्द हैं और हमारे रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा है। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लोगों से वो करता आ रहा हूँ, टीचर से सुनता था और खुद बोलता था। दिल्ली में आने के बाद हिंदी जुबान जो है वो जाहिर सी बात है वो बोलनी ही थी, आती तो थी, लेकिन फिर उसमें जो है वो आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे शब्दों ने अपनी छाप नहीं छोड़ी हिंदी के, और बल्कि उर्दू के जो शब्द हैं या पंजाबी के जो शब्द हैं जो फिट हो सकते थे वो उन्होंने अपने आप ही स्पेस बना लिया। मैंने कोई विशेष इसमें कुछ किया नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने जब कविताएं छपने लगी और हिंदी में भी, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या वो है, तो मैं थोड़ा सा उस वक्त में मेरे को लगा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या वैसा, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, उनको 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 अपना उनको अपना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए, तो ये बहुत सहज सरलता से हुआ है। हेमलता महेश्वर जी ने भी एक बार ये बात कही थी कि तुम्हारी उसमें जो पंजाबी का जो बहुत ज़्यादा एक आता है और बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने भी कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा, मैंने सोचना छोड़ दिया, मैंने फिर अपनी अदा को पकड़ के रखा, उसी अंदाज को पकड़ के रखा उसी। जी हाँ, तो इसी संदर्भ में जो आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, पंजाबी पृष्ठभूमि से, और वहाँ के कवि जो पंजाबी दलित कविता है, इस सब के बारे में मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक टिप्पणी है असंग घोष सर की, कि कवि के लिए लेखन में ठहराव उचित नहीं कहा जा सकता, जिससे मैं सहमत भी हूँ, तो इस ठहराव को तोड़ने के लिए, जिसको राइटर ब्लॉक कहा जाता है, इसको तोड़ने के लिए कवि के पास भले ही एक सोल्यूशन नहीं हो, माया एंजेलाउ ने एक कविता लिखी थी कि एवरी पोएट हैज इफ नॉट सोल्यूशन ए सॉन्ग, अगर एक पोएट एक कवि के पास समाधान नहीं हो जो अभी इनपेंडिंग प्रॉब्लम है, जो हमारा शोषण है, उत्पीड़न है, तो लेकिन एक गीत तो होता ही है उसके पास, कोई समाधान हो ना हो, तो वो गीत का ना होना तो दुखद है, तो कैसे इस ब्लॉकेट को, उस गीत को पाया जाए जो पिंजरे में कैद है, उसको कैसे आजाद किया जाए, और इसके बाद आपने तो, ये भी जी जी नहीं, मैंने तो ये बात कही है कि रुकना चलने के अलावा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं, ये एक मनुस्थिति हो सकती है और इसका कोई लंबा मियाद नहीं होती है, इसका कोई लंबा बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, और अचानक से ही आप एकदम सब कुछ एकदम झटके से निकल जाते हैं उसमें। मैंने खुद से बहुत बात करी है कविताओं में, तो मेरा कुछ अपने हर एक का अपना अपना तरीका होता है, मैं खुद से बात कर करके मैं निकल जाता हूँ, मेरे को कोई बहुत ज्यादा विशेष जरूरत नहीं पड़ती है कि ये तामझाम होना चाहिए या वैसा कुछ होना चाहिए या इस तरह का माहौल होगा मैं तभी बाहर आऊंगा, मेरे को थोड़ा सा अपना वो लगता है और उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और फिर मैं लाइन पे भी आ जाता हूँ, तो ये हर एक का अपना होता है, मेरा कुछ सोचने का वो है, तो मैं थोड़ा ईमानदारी से ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो भी हो रही हैं साथ में ये एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये मैं पूरा नहीं है, ये मेरा पूरा मेजरमेंट नहीं है, मेरा हमारा पूरा मेजरमेंट जो है वो तो आंदोलन है और उससे हमको नापना चाहिए। जी जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ असंग घोष जी की बात से, वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत अजीज हैं वो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका खुलासा करने के लिए, और आप कांसी राम जी के ऊपर फिल्म बनाने में भी व्यस्त थे, व्यस्तता भी कारण बन जाती है, हम लोग समझ सकते हैं,
जय भीम जय पासवानदा, फैजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो आपके बड़े फैन हैं और बहुत अच्छे खुद भी लेखक हैं, तो जी, वो मैं ये इस प्रश्न से आगे ये जानना चाहता था कि पंजाबी में जो दलित कविता लिखी जा रही है, जैसे लाल सिंह दिल से आप प्रभावित रहे हैं, उनकी कविता का आप पर प्रभाव रहा है, तो ये पंजाबी दलित कविता के बारे में दो चार शब्द आप बताएं कि क्या उसके अभी जो मौजूदा हालात क्या हैं और उसकी परिचय थोड़ा सा। देखिए, हर एक जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, लिंग्विस्टिक जो इलाके हैं, वहाँ पे बहुजन आंदोलन का जो है वो बहुत सारा रहा है और लोगों ने अपनी बातें रखी हैं इस माध्यम से। पंजाबी में भी इस तरह का हुआ है और मैं इसका मुझे लगता है कि एक तो शायद रविदास महाराज 600-700 साल पहले, उनसे पहले ही बाबा फरीद हुए हैं, ये तो तब से कारवा चल रहा है। और एक तो ये वो वाली परंपरा थी जिसको भक्ति लहर कह दिया जाता है, और फिर बाद में गुरु ग्रंथ साहब की वो आती है जिसमें कई रविदास महाराज का है और कबीर जी का है और कई सारे बहुजन उसमें शामिल हैं। लेकिन जो मौजूदा काल जो था, जिसको मैं पिछले 100 साल में अगर मैं देखना चाहूँ, उनकी मैं बात करना चाहूँ, या 100 साल या 125 साल, तो मुझे उनमें जो है वो गुरदास राम आलम जी हैं, संतराम उदासी हैं, जगतार जी हैं। मैं जगतार जी से बहुत मुतासिर रहा हूँ, हालांकि वो थोड़े लेफ्ट लेफ्ट इंक्लाइंड थे, लेकिन बहुत कमाल का उन्होंने लिखा है, बहुत कमाल लिखा है, मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ उनसे। और फिर लेटर स्टेज में आ जाते हैं लाल सिंह दिल जी, मतलब अगर मैं इनको वो करूँ, लाल सिंह दिल हालांकि पहले चले गए, जगतार जी अभी 12-13 साल पहले उनका वो हुआ है, गुरदास राम आलम जी बहुत पुराने हैं। तो इनसे इनका जो लिखने की अदायगी थी या लिखने का अंदाज था, आप हैरान होंगे कि वो बहुत बड़े, वो तेवर उनके बहुत कमाल के थे, बहुत कमाल के तेवर थे, उनमें कोई रुदन या वैसे वाला कोई वो है नहीं। आज की उसमें जो कविताएं जो कही जा रही हैं, जिनमें कई सारे मित्र भी हैं और मदन वीरा है पंजाबी में लिखने वाले, जयपाल हैं, मनजीत कादर हैं, बलबीर माधोपुरी हैं, वो तो दिल्ली में ही रहते रहे हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, श्री राम हर्ष हैं, सुलक्खन मीत हैं, गुरमीत कलर माजरी हैं, बहुत सारे हैं, भगवान ढिल्लो हैं, इकबाल घारू हैं, हरने क्लेर हैं, संधु सिंह शुद्रक हैं, बहुत सारे हैं जिनको बहुत पढ़ा है। उनकी जो शायरी जो गुरदास राम आलम जी का था, उनमें अतीत का बहुत प्रभाव रहता था और वो उस वक्त में जो मूवमेंट चलती थी, उस वक्त में जो लोगों की सोच थी, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर वो कविताएं लिखते थे। उनको उनकी रंगत आपको उनकी कविताओं में मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आज की जो डेट है, जिसमें जिसमें हर तरह से मार हो रही है, वो चाहे कल्चरल का मामला हो, कल्चर का मामला हो आपका, आपके लैंग्वेज का मामला हो, और आपकी ज़िंदगी में तो तिजारत इतनी सारी, उपभोक्तावाद जो खड़ा हो गया उसका मसला हो, और जो छोटे छोटे जो आपके आपके रोजी के जो साधन थे, जैसे कोई दानों को भून करके, मकई के दानों को भून करके वो उनका एक वो रहता था, ये पेशा होता था, और वो एक जाति पूरी उससे जुड़ी हुई है, कपास तोड़ने वाले या इस तरह के, वो तो पूरी जाति एक जुड़ी हुई है। तो उनके जो ये सारे के सारे प्रभावित हुए हैं, जो उनके पेशे हैं, इनकी जो वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है, आज के जो मैंने अभी नाम लिए हैं अपने दोस्तों के, उनकी शायरी में आपको ये बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन फिर भी जो है लाल सिंह दिल और जगतार जी जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं इन सबसे, क्योंकि पोइट्री में सिर्फ और सिर्फ आप वर्णन नहीं करते हैं चीज़ों का, उसमें जो है एक कुदरत को जोड़ते हैं, वो एहसास चले आते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहती है फिर उसमें। जैसे मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं लाल सिंह दिल की कविता को मैं पढ़ना चाहूंगा कि वो कैसे 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 मुखातिब हो रहे हैं। वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं कि लाल सिंह दिल, देखिए कितनी खूबसूरती से वो बात कर रहे हैं कि ये बात बताई जाए अगर दूजे सितारे के लोगों को, ये बात बताई जाए अगर दूजे सितारे के लोगों को, पत्थर हो जाए ना दोबारा उठे,
ये बात बताई जाए अगर दूसरे सितारे के लोगों को, पत्थर हो जाएं ना दोबारा उठें, पशुओं को इसका अनुभव हो जाए, जंगलों को भाग खड़े हों, मानवता से डरते चीखते, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं, दिल ये कह रहे हैं कि अगर इस प्लैनेट के बारे में नहीं, बोला कि अगर कोई और भी प्लैनेट है उसको इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर और उसके ऑपरेशन के बारे में बताया जाए कि उसने कैसे विभाजन किया है, तो बोला कि वो सुन के पत्थर हो जाए और बोला कि दोबारा जिंदा नहीं होगा इतना। और बोला कि अगर पशुओं को इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर का अनुभव हो जाए तो वो वापिस जंगलों को भाग जाए, और मानवता से डरते हुए, बोला कि मानवता जो है उसे डरते हुए और चीखते चिल्लाते हुए वो जंगल को, यहाँ पे नहीं रहना हमको। मुझे लगता है कि ये छह लाइनों में एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग, कलात्मक रूप से भी बहुत सशक्त करता है। जी। और आगे वो जैसे बढ़ते हैं और संस्कृति के बारे में आपने शुरुआत में कहा था कि जब पेरिस की डायरी के बारे में कि आप कि गोरों के, उनका भी वैसे ही होता है, हर एक की माँ एक जैसी होती है, तो ये भारत की संस्कृति की बात आई थी कि जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया था, लेकिन लाल सिंह दिल इसके बारे में बोलते हैं, वो संस्कृति को, जो भारत की संस्कृति है उसको संबोधन, या ब्राह्मणिकल संस्कृति को संबोधन होते हुए बोल रहे हैं, तुम क्या हो, क्यों चेहरा छुपाया है, पर्दों में चलती है क्यों, क्यों नाखून भी छिपाए हैं, आखिर तुम कौन हो। संस्कृति से संबोधित होके बोल रहे हैं कि तुम क्या हो, क्यों चेहरा छुपाया है, पर्दों में चलती है क्यों, क्यों नाखून भी छुपाए हैं, आखिर तुम हो कौन। आगे वो बढ़ते हैं, इस उस इंसान को कहीं देखो जो रात दिन भारी रथ खींचता है, उस इंसान को देखो कहीं जो रात दिन भारी रथ खींचता है, उसके कानों में राम के समय का ढला सिक्का है, उसके जिस्म पर उन बैंतों की लाशें हैं जिस काम में लाते रहे हैं रजवाड़े कहीं के भी हों, वह जरूर पहचानता होगा, वह रातों में कभी कभी अंबर जितनी आह भरता है, वह रातों में कभी अंबर जितनी आह भरता है, तारे मुरझा से जाते हैं, वह कहता है धरती मेरी पहली मोहब्बत है, वह जिक्र करता है ये तारे आसमान में मैंने जड़े हैं, वह ईसा के वतनों में घूमा है, वह गौतम के मुल्कों में फिरा है, उसके कानों में राम के समय का सिक्का ढला है। मुझे लगता है कि ये जो है संस्कृति से संबोधन करते करते, जी दिल संस्कृति से संबोधन करते करते अचानक से जैसे अपने आप में लौटते हैं, अपने उसमें वो जाते हैं और अपने लोगों की पीड़ा में पीड़ा को फिर वो लेकर के आते हैं, तो वो बात करते हैं जैसे हवा में बात कर रहे हो, जैसे कुदरत से बात कर रहे हो कि उस इंसान को देखो वो, और वो इंसान क्या है, वो कामगार लोग हैं, और भारी रथ जो खींच रहा है वो पूरी कायनात का रथ, पूरी कायनात वो बीजता है, वो काटता है, वो बनाता है चीजों को, वो कपड़ा बनाता है, वो कपास, वो हर चीज का उत्पादन करता है, भारी रथ वो खींचता है और रात दिन खींचता है, और उसी के कानों में राम के ढले का सिक्का है, उसकी उसकी पीठ पर उसके बैंतों की लाशें हैं, और ये काम देखिए वो क्या बोल रहा है कि जिसे काम में लाते रहे रजवाड़े कहीं के भी, यानी कि वो जो उनका रजवाड़ों का काम क्या है, यहाँ पे बहुजन क्या काम कर रहे हैं, और रजवाड़ों का काम एक ही है, वो बैंत मारना, और वो कहते हैं कि वो उसे जरूर पहचानता होगा, यानी कि वो पुराने अतीत को कभी भूला नहीं है, वो आज भी उसको पहचानता होगा, और वो इन सब परिदृश्य को सामने रख करके वो आह भरता है, और उस वक्त आह उसकी इतनी ज्यादा गहरी है कि तारे मुरझा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कहता है कि धरती मेरी पहली मोहब्बत है और ये तारे आसमान में मैंने जड़े हैं, और वो ईसा के वतनों में घूमा है, गौतम के मुल्क में वो फिरा है, उसके आज उसके कान में कानों में राम के जमाने का ढला हुआ जो सिक्का है। इतनी ज्यादा व्यापकता, इतना ज्यादा कुछ मैंने नहीं देखा है। मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, लाल सिंह दिल जी को, कि मैंने विदेशियों को भी पढ़ा है लेकिन लाल सिंह दिल जी की बात ही कुछ और है, तो वो मेरे लिए, तो ये पंजाब का कुछ है। जगतार जी से मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ, और जगतार जी ने उनको शुरुआत अपने शुरुआती दिनों में मैंने कॉपी भी करने की कोशिश की है कि वो उनका जो अदायगी, उनका जो अंदाज था, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हैं, तो यानी कि इतना मुतासिर था। और मैं ईमानदारी से एक बात ये भी कहूँ कि मैं शिव कुमार बटालवी से भी वो था, वो प्यार
वो प्यार के दौर होते हैं आपके, बिल्कुल जज्बात होते हैं तो उनको वो सूट करता है, और आपका कोई मेंटोर नहीं होता ये सब समझाने वाला, जैसा हाँ आपसे हाँ मैंने सोचा और आपसे मैंने वो किया, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन लाल सिंह दिल को मिले तो आप यकीन करिए, ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि फिर सब कुछ छूट हो गया, छूट गया सब, बड़ा और बटालवी हो चाहे कोई भी और हो। जी, सुखद है हुआ छूट जाना, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने पंजाब के कवियों का। मुझे भी एक करतार साहब के बारे में इतना नहीं मालूम था, और बहुत शानदार कविता आपने, असंख्य बहुत सर भी बोल रहे हैं कि बहुत शानदार कविता आपने उद्धृत किया, और मुझे लगा कि हमारे कवियों का इतना जितना उनको मालूम होना चाहिए, उनके बारे में लिखा जाना चाहिए, आलोचकों ने उनको उपेक्षित किया। जैसे मुझे एक जीवनानंद बांग्ला के बहुत बड़े कवि समझे जाते हैं, और उनकी कविता वनलता सेन भी इसी तरह कविता की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि उस कविता में उज्जैन से लेके रूस तक का वर्णन है। वो वनलता सेन एक नोस्टाल्जिया है, अपनी प्रेमिका को ढूंढता है, और उससे बड़ी कविता लाल सिंह गिल की है, क्योंकि ये उज्जैन से रूस नहीं, ये दूसरे ग्रह तक ये कविता जाती है, उन सितारों की बात करती है, और ये कितनी बड़ी बात है कि धरती को पहला प्रेम करती है, और ये जीवनानंद से बड़ी कविता मुझे लगी, क्योंकि ये उज्जैन से भी आगे चली जाती है दूसरे ग्रहों तक ये कविता। तो कल्पना के इस विस्तार को, इस कलात्मक सृष्टि को, इस पावरफुल एस्थेटिक को सवर्ण का आलोचकों ने कभी नोटिस नहीं लिया। आपके माध्यम से इस कविता को मैं जान पाया, आपको बहुत शुक्रिया, और बहुत अफसोस होता है सख्त सवर्ण आलोचकों में जिनका वर्चस्व है, जो जो नेतृत्व में होता है उसी की शिकायत होती है, उनका वर्चस्व है, तो हमें हक है कि उनकी हम शिकायत करें। तो मैं शिकायत कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से इतनी बड़ी कविता, जो जीवनानंद से भी बड़ी कविता मुझे लगी, आपने सुनाई, और बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जिस तरह से लाल सिंह दिल को उपेक्षित किया, तो आपके भी काव्य संग्रह का, जब मैं चाहता था कि जब भी कोई पीएचडी या शोध करता है तो पूर्ववर्ती, उसमें पहला अध्याय होता है कि पहले से इस पे शोध क्या है, प्रीवियस लिटरेचर, तो मैं देखना चाहता था कि आपके कंडीशन सप्लाई पे प्रीवियस लिटरेचर क्या है। तो मुझे बस इस पे चार आलोचना मिले, जिसमें मेरी भी एक आलोचना है और एक अनीता दीदी की है, तो एक रविंदर जी की, तो ऐसी मुझे मात्र चार आलोचनाएं लगी, जबकि इतनी महत्वपूर्ण कविता है, 74 कविताएं हैं, इस पे काफी लिखा जा सकता था। तो ये जो उपेक्षा है, इस पे जो वो नहीं लिखते, और जब हम लिखने लगते हैं, जब उनको खतरा हो जाता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे लिखने दो, तब वो अंबेडकर के बारे में तब लिखते हैं जब वो लिखने का कोई महत्व न रह जाए। पर तो अब जब मैं लिखने लग गया, आपको नए सिरे से मैं परिभाषित करने लग गया, आपको मैंने बुलाया है, आपके कितने इंटरव्यू किए पंजाब के मुद्दों पर, तब वो डर जाते हैं, और देखिएगा अब आप पे लिखेंगे वो। तो ये जो गलत मौके पर, जिसको मजाज बोलते हैं कि अब तुम आई है तो क्या ही हो, माना कि तुम पैकर है रनई हो, तो आप लिखेंगे तो कोई महत्व नहीं है। अगर 14 में लिखा होता जब किताब आती तो महत्व था, तो किसी ने कुछ नहीं लिखा इस पे। तो ये जो उपेक्षा है, इसको आप किस तौर पे देखते हैं, मैं आपके दो शब्द जानना इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि वो थोड़ा सा तो कठिन होता ही है मामला। उसमें आपको स्पेस देंगे, आपकी बात करेंगे तो उनका उनके गहरे एहसास हैं, उनके अपने अपने पूर्वाग्रहों से, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो फिर एक वारिशा हुए पंजाब के, जो कहते हैं कि पंजाबी में वो कहते हैं वारशाना जानती आते ने भावे कट्टिए पोरिया पोरिया जी, यानी कि आदतें जाती नहीं है, भले ही इंसान का पोर पोर काट दिया जाए। तो स्वर्णों का या ब्राह्मणवादी वर्चस्व का वही वाला हाल है। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने या कंडीशन अप्लाई पर नोटिस नहीं किया, वो मैं जाने कब से देख रहे हैं, तो मैं तो एक बहुत ही लेकिन मुझे लगता है कि आप सबका जो इतना सारा प्यार मिलता है, और अपने कहीं पे भी जाता हूँ लोग इसका इसका जिक्र करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि लोग कंडीशन सप्लाई को नहीं जानते हैं। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो ये वाली बात आ जाती है। कुछ लोगों ने अपने हॉस्टल की दीवारों पे कविताएं लिखी हैं, मतलब ऐसा भी हुआ है, और किसी ने मुझे कैलीग्राफी में मेरी ही कविता को दिया मुझे, मतलब लिख करके अपने ही उसमें।
ये सारी चीजें बहुत बहुत कुछ होता है मतलब, और ये काफी होता है मुझे लगता है। ये आपका आपका या फिर और जिन्होंने इसका नेता दीदी हैं, राज वाल्मीकि भाई हैं और भी हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा लिखी है। लेकिन मैं तो ज्यादा अपने आप से बात करने वाला कवि हूँ और देखता रहता हूँ इधर उधर, और जो खुद को तो मेरा, मुझे लगता है कि मैं बहुत शाई टाइप का हूँ इस मामले में, कि अगर कोई ज्यादा ही कोई मतलब मेरे को वो तारीफ होने लगे तो मैं डर जाता हूँ, तो मेरा वैसा नहीं है। तो मैं आप जैसे हैं उनमें मैं खप जाता हूँ, बहुत ज्यादा उनका वो होता है तो मैं शायद भाग जाऊंगा वहां से, मेरे को मेरी पर्सनल वो है। लेकिन आपकी बात बहुत सच है कि नोटिस बहुत इंटेंशनली नहीं लिया जाता है, उनको खतरा होता है, हर चीज से खतरा है उनको। हमारी आप यकीन करिए, उनको हरमा टूडू से भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है उनको, राजू से खतरा है, क्योंकि यही राजू और यही जो अपने जब अपने अपने जो हमजोली होने की जब ये दास्तां लिखेंगे हरमा जी टूडू जी और राजू, वो भारी हाँ पड़ने जी वाली। जी तो वो ये जो यहाँ का जो ब्राह्मण ब्राह्मणिकल जो ये फेमिनिज्म ये जितनी भी चीजें हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ेगा वो, क्योंकि वो मैं आप यकीन करिए 2002 या 3 में तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले को गहराई से जाना, आप यकीन करिए मेरे को ये दोनों नजर आए उसमें, मतलब ये दोनों भी जो है मेरे जहन में आए, हरमा भी याद आई और राजू भी याद आए, क्योंकि ये वही सब कर रहे थे। और यकीन करिए कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हरमा जो है अपने अपनी सासू माँ को याद कर रही थी कि वो मेरे वाला सारा काम उनको संभालना पड़ रहा होगा इस उम्र में, अरे और उनको जो है वो जो तिजारत के शिकंजे में जो उनकी जमीन आ गई है, यहाँ पे मेहनत करके जो पैसा बनेगा उसको ले जा करके वो जमीन को छुड़वाना है उनको वहां पे। तो इतनी सारी चीजें वो दोनों मिल करके, दोनों जन मिल करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको हरमा जैसे एकदम ऐसे ऐसे लोगों से भी, हरमा जैसे कामगारों तक से, राजू जैसे कामगारों से तक से खतरा है। तो आप भूल जाइए कि वो आप से और इतने सारे यहाँ पे हस्तियां हैं और बहुजन मूवमेंट के जो है जर्रे जर्रे से जो वो डरते हैं, तो आपको तो कभी नोटिस करने नहीं वाले, यही उनका पहला मोटिव होता है। तो आई डोंट रिग्रेट, इट्स नॉट बीन नोटिस, लेकिन मेरे को इस बात का तो ज्यादा, इससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि आपने मुझे याद किया और आपने मेरे बारे में लिखा भी, और बहुत सारे लोगों ने वो किया। दिस लव, दिस मच लव इज इनफ, बाकी तो मूवमेंट का मामला है, आंदोलन का वो है, और जो भी करते हैं ये उसके लिए होता है, अपने लिए कुछ होता नहीं है। जी बस इतना ही, धन्यवाद। एक टिप्पणी आई है फैजी साहब की कि पसमांदा पहल के संपादक हैं, पसमांदा मोर्चा के संस्थापक भी हैं एम जी हाँ इकबाल, वो आपके कविता संग्रह कंडीशन अप्लाई को हमेशा अपने सिरहाने रखते हैं और जब भी कोई आता है तो उसको दिखलाते हैं। तो ऐसा नहीं है सवर्णों ने उपेक्षा की है, लेकिन आप हमारे अजीज हैं जो पसमांदा हैं, दलित बहुजन हैं उसके काफी अजीज हैं, और जी कुफिरदा हैं हमारे सबसे प्रिय, तो उन्होंने भी अपने वाल पे आपकी कविता कांसी राम लगा रखी है। तो मैं आपके सुखंड से, कांसी राम छोटी कविता है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि वो कविता अपने, आपका स्वर भी बड़ा अच्छा है, आप बता दें दर्शकों को कि आप गिटार भी बजा लेते हैं बहुत अच्छा और गाते भी अच्छा हैं, आप हरफन मौला हैं, तो आपके मधुर स्वर में हम कांसी राम जी के ऊपर जो कविता है जिसमें उर्दू की रवानी भी है, मकना तीस मैग्नेट जैसे शब्द हैं, तो आप अपने मैग्नेटिक आवाज में उस कविता को सुनाएं, सुनाने की मतलब शुक्रिया कृपा करें। जी शुक्रिया शुक्रिया। साहिब काशीराम, क्या गजब आदमी था वो, क्या गजब आदमी था वो, जहन से रहन तक मंजिले मकसूद था। क्या गजब आदमी था वो, जहन से रहन तक मंजिले मकसूद था। मिकना तीस था, सामाजिक चिकित्सक था, युग परिवर्तक था, राजनीतिक धुरंधर था। क्या गजब आदमी था वो, यही कविता बहुत है। अच्छा, और इसमें हाँ, मिकनातीस का मतलब है कि चुंबक, यानी कि मैग्नेटिक, ही वाज मैग्नेटिक। और सामाजिक चिकित्सक हैं वो, समाज सुधारक नहीं है, वो चिकित्सक थे, उनको नब्ज पकड़ते थे, जान लेते थे बीमारी कहाँ कहाँ पे है। और युग परिवर्तक थे,
और राजनीतिक धुरंधर थे, ये तो सबको ही पता है। तो ये छोटी सी कविता उनके ऊपर मैंने लिखी थी, मुझे लगता है ये मैं अध्ययन कर रहा था, शुक्रिया। ये थोड़ा सा ये है कि मैं अध्ययन कर रहा था काशीराम जी के ऊपर जब शुरुआत हुई थी फिल्म बनाने की, और उस दौर में मैं 4 बजे सोने वाला था, लेकिन फिर नींद नहीं आई, पहले आ रही थी, तो फिर ये कविता लिखी थी। अच्छा था, मतलब अभी आपके माध्यम से याद सुंदर और पावरफुल कविता है, और आप समझ सकते हैं कि इसको वाल पे अस्थाई तौर पे लगाया हुआ है कुपीर दा ने। अब बहुत मुझे भी पावरफुल कविता लगती है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ये जो अंबेडकरवाद है, हमारा जो अंबेडकरवादी विचार की आपके रक्त में घुल गई है, संवेदना में, और उनकी बातों को आगे आप ले जाते हैं। जैसा कि बाबा अंबेडकर ने कहा कि हिंदुइज्म को उन्होंने एक डिजीज कहा, तो भाई हिंदुइज्म जब एक रोग है तो उसका कोई चिकित्सक भी होना चाहिए, तो आपने उसका चिकित्सक डॉक्टर बता दिया कि भाई कांतिराम जी हैं। तो जो डॉक्टर अनसंत लिखा था आरती राय ने, तो आपने उसको एक नया मोड़ दे दिया कि डॉक्टर तो कांतिराम है और वो डॉक्टर चिकित्सक वाला, तो बड़ा अच्छा एक जवाब। और इसी से संबंधित एक मेरा प्रश्न है कि जो पिछले प्रश्न की ही एक कड़ी है कि आप देखेंगे कि हमारी शिकायत होती है कि ये हमारे बारे में नहीं लिखे, इन्हीं का वर्चस्व है सारा साहित्य में, और हमको साइलेंस करते हैं, किलिंग बाय साइलेंस जिसको कहा जाता है, लिखते नहीं। लेकिन एक मौका आता है जब पूरा बाजी, एक हिस्टोरिकल मोमेंट, एक डायलेक्टिक्स आप देखेंगे उलट जाता है कि एक टाइम में तो संस्कृत पढ़ने पर बोलते हैं कि कान में पिघला हुआ शीशा डाल देंगे, और बाद में संस्कृत को अनिवार्य बना देते हैं कि संस्कृत पढ़ना ही होगा, जब उसका महत्व एक पावरफुल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का महत्व कम हो जाता है तो हम पे थोपते हैं। तो इसी तरह जब हम खुद लिखने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे पहले बाबा अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, उसको नेग्लेक्ट किया। ये बहुत प्रिय दोस्त थे राजेंद्र यादव के, कमलेश्वर करके एक बड़े नामी, लेकिन उन्होंने एक कोर्स में चलता कैसे बच्चों को मस्तिष्क में डाल दिया जाता है गलत सलत चीज, आप इसमें देख सकते हैं, 10वीं क्लास के हिंदी के पाठ पुस्तक में वो कोर्स चलता है, और उस कहानी बोलने या व्यंग लेख बोलते उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर का व्यंग कथा कह सकते हैं, और उसमें वो तमाम महापुरुषों की चर्चा है कि जॉर्ज पंचम के नाक से ये महापुरुष थे, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक से लेके ये आपके लाला लाजपत राय, भगत सिंह और 7 शहीद जो पटना में है, तमाम लोगों का उसमें जिक्र है, करीब 20 से 30 महापुरुषों का जिक्र है, लेकिन उसमें अंबेडकर का कहीं नाम नहीं। आप देख सकते हैं कमलेश्वर अपने आप को बहुत प्रगतिशील बोलता है, मॉडर्न बोलता है, लेकिन कितना पिछड़ा हुआ वो साहित्यकार है मेरी नजर में, जिसको इतना बड़ा एक महापुरुष नजर नहीं आता है, इसको सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी नाक बाल गंगाधर तिलक एक जातिवादी लीडर की नाक दिखती है, लेकिन उसको इतनी बड़ी नाक अंबेडकर की उसको नहीं दिख पाती, वो इतना अंधा मायोपिक है सवर्ण कथाकार कमलेश्वर। तो आप देख सकते हैं, लेकिन आज ऐसा है कि सब टूट पड़े हैं, अंबेडकर पे ही लिखे जा रहे हैं स्वर्ण, हम मना कर रहे हैं कि मत लिखो, वो लिख रहे हैं, कैसी स्थिति उल्टी हो गई है, जो जो ऐतिहासिक अरुंधति राय लिखी जा रही है, मतलब शिकायत कर रही है कि हमको लिखने नहीं दे रहे हो तुम लोग, हम लिखेंगे, तो ये जो उल्टी स्थिति आती है इसमें कैसे और क्यों सावधान रहना चाहिए दलित साहित्यकारों को, आपका मैं संदेश मंजिले मक्स जो है जानना चाहूंगा, आपका मैसेज। देखिए वो यहाँ पे मामला है कि वो सही इंटेंशन से लिख नहीं रहे हैं, आपने सारी बात खुद ही कर दी है कि वो सही इंटेंशन से लिख नहीं रहे हैं। एक तो उनके दिमाग में दो तरह की चीजें होती है, पहला तो ये रहता है कि वर्चस्व तो प्रथम प्रथम उस दृष्टि रहता ही है उनके दिमाग में, तो लिखते नहीं है। लेकिन जब एक तिजारत का भी मसला होता है, जहां पे आपको पता चलता है कि बाबा साहब का नाम बहुत बिक रहा है, ठीक है, और तब आप लिखना शुरू करते हो और तब आप उन गलियारों में आते हो, लेकिन आपके अपने माजी से या अपने उनसे रिश्ते बराबर बरकरार रहते हैं, वो विचारधारा का कोई मसला नहीं होता है, और सिर्फ आप वो बात करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, फायदा नहीं कोई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लिख रहे हैं, ऑफकोर्स अंधति राय ने वो किया था, लेकिन उनसे सावधान इसीलिए रहना है क्योंकि आपने मूवमेंट जो है वो आपका जो किसी की बेपौती नहीं है, हमारी भी नहीं है वो, क्योंकि जरा जरा बनके और बहुत बहुत सालों से बहुत ज्यादा एक एक दिन एक एक पल कैसे गुजारते हैं लोग, उनसे बनता है,
उनकी एक आह जैसे वो जैसे दिल बोलते हैं कि एक आह जो है वो तारे मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है। इतनी गहरी आह को कोई स्वरण नहीं नहीं कर सकता वो। और अगर आपने इसको अगर किसी दाई को सौंप दिया, जो दाई भी नहीं है एक्चुअली, दाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होते हैं, नर्स एक महत्वपूर्ण ओहदा होता है, ये वो भी नहीं है। अगर इनको लिखने अपने इनके ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से या जो मार्केट वाले पैटर्न से या उस पैंतरे से अगर आपने उनको लिखने की अनुमति देते हैं, तो हमारे लोग अभी भी बहुत फ्रजाइल हैं, तो वो उनके झांसे में आते हैं, क्योंकि वो अभी भी उनका जो उनका उनका ऑरा अभी भी काम कर जाता है हमारे समाज के बहुत सारे उसमें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेटेड इन द बेली के बाद बहुत हेटेड हमारे लोगों ने भी दिखाई है हमारे ही खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है। आप यकीन करिए, जेएनयू के प्रोफेसर साहिबान भी थे और बहुत बड़े बड़े वो थे, जिन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो बाबा साहब का ही संविधान है जिन जो अनुमति देता है सबको लिखने की, कि आप कोई भी लिख सकता है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि उनको भी लिखने के लिए आपने बाध्य कर दिया। वो नहीं जान पा रहे हैं कि उनका जो लिखना है वो किसी आत्म गिलानी से या फिर किसी गिल्ट से या फिर खुद खुद जो उन्होंने कोई ऐसा इल्हाम हो गया है उनको, वो इससे नहीं आ रहा है, वो एक मार्केट से आ रहा है, वो एक उनके उनके जो ब्राह्मणवादी जो एक बहुजन आंदोलन ने जो फलक के ऊपर जो एक अपनी शामियाना तान दिया है, अब उसके डर से भी लिख रहे हैं वो। तो वो जो डर से या उससे लिखना नहीं होता है, वो होता है कि आपके अंदर का इंसान संवरा है, निखरा है, और तब आप अपनी हकीकत को, अपने माजी को लिख रखते हो। तो कोई नहीं बताएगा, अंधोती राय जी कभी नहीं बताएंगी कि वो सीरियन क्रिश्चियन होते हुए जब वो जहां पे भी वो रहते रहे हैं तो किस तरह से पसमांदा मुसलमान के घरों को वहां पे बसने नहीं दिया गया है, ये बात मैं जानता हूँ। उन्हीं के जो लोग हैं केरला में, एक दलित ने जो आज से कई करीब 60 साल पहले अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगानी चाहिए थी, तो सीरियन क्रिश्चियन लोगों ने ही उसको जो है उसको उसको आग लगा दी थी। तो इस तरह के जो वाकयात जो हैं, जो हम एक अच्छी वाली अंदर से सुधरे हुए जो धोती राय हैं उनसे जो जानना चाहेंगे, वो कभी बताएंगे नहीं। वह हम ही को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमको कैसे समझना चाहिए। मेरी ज्यादा दिलचस्पी इसमें है कि मैं आपकी जाति को समझना चाहता हूँ, आपके जाति ने जो गंध मचाया है इतिहास में उसको जानना चाहता हूँ, जो हमारे लोगों का वो चाहे दलित कोई और हो या पसमांदा मुसलमान हो, किस तरह से उनको खदेड़ दिया जाता था, जबकि उनकी जमीन उनकी खुद की होती थी, लेकिन क्योंकि वो उनके लेवल का नहीं है तो आपके उनके मोहल्ले में रहने लायक नहीं है, तो इनके दादा परदादा इनके माँ बाप ने उनको कैसे भी करके वहां से भगा दिया, और उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसे लोग लिखेंगे नहीं लिखने देंगे, मतलब ऐसा तो नहीं होने हो हम लोग उनको नहीं लिखने देने वाले हैं, मतलब लिखेंगे तो हम क्रिटिक करेंगे, हम ऐसा नहीं है नहीं लिखने देंगे, लिखिए आप, हम भी बैठे हैं ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा है। और ये तो ऐसा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो आपने बात 74 कविताओं को एक सेशन में नहीं समेटा जा सकता है, कई सारी बातें करनी थी मुझे, जैसे कि आपकी कविता परछाइयां हैं जिसमें आपने अपने पंजाबी पृष्ठभूमि का वर्णन किया है, परछाइयां में उसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। परछाइयां में आप कहना चाहते थे कि धर्म ने वेदना संवेदना के चारों खाने चित कर रखे हैं, पंजाब में मेरी पारिवारिक जड़ें भी हैं, गुरुद्वारे जाकर दंडवत हो जाती है जैसे सब ठीक हो गया हो, या आज नहीं तो कल परसों तक ठीक हो जाएगा। उस जड़ का कोई आवारा अंश भी अभी तक तलहन मिर्चपुर तक नहीं पहुंचा, जो मिर्चपुर कांड हुआ था दलितों के खिलाफ, वो सोनी सोरी तक कब पहुंचेगा, सवाल वेद की तरह चेतना पर चलता है। तो आपने ये जो सार्वभौमिक, बाकी सारे दलित एक दूसरे के दुख से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसका सवाल आपने उठाया था, ये सवाल अगले सेशन में हम लेंगे, लेकिन आज चलते चलते एक आपकी कविता है भी है, चलते चलते मेरे घर में जो बहुत कुछ वीरान पड़ा है, मेरे घर में किताबों का जो दीवान पड़ा है, मेरी चाय की केतली जो जाने कब से ठंडी पड़ी है, मेरी आहों की उम्र जो मुझसे भी लंबी है, तो अपने आपसे भी लंबी जो आहों की उम्र है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, लेकिन चलते चलते एक आपकी कविता जो है आखिरी कविता संग्रह की, वो सुबह
कभी तो आएगी। ये कविता मूलतः ये शीर्षक की कविता साहिर लुधियानवी पंजाब के ही शायर थे, उन्होंने लिखा, और एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये पंजाबी के शायर थे, पंजाब के थे, लेकिन कभी पंजाबी भाषा में नहीं लिखा, उर्दू में ही लिखा। तो इससे मैंने निष्कर्ष निकाला वो सैयद थे, अशरफ थे, तो अशरफ हमेशा उर्दू में लिखता है और स्थानीय भाषा पंजाबियों से उसका इतना जुड़ाव नहीं होता जिसे शायद लुधियानवी का भी लिखता। और उन्होंने जो कविता लिखी वो ये लिखी कि वह सुबह कभी तो आएगी इन अकेले सदियों के सर पे जब रात का आंचल ढलकेगा। तो उन्होंने अंधेरे के खत्म होने वगैरह की बात की, काफी अमूर्त बातें की, और इतनी ठोस जो जात पात की समस्या है जो हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों पे, धर्म से ऊपर जाके कटिंग अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ द इंडिया, इंडिया या क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सब में अक्रॉस द रिलीजन, कोई जात संप्रदाय ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें समस्या जाति पाति की ना हो। तो ऐसे एक जाति पात की समस्या पर एक शब्द भी वो इसमें नहीं कहते कि भाई जात पात जब मिटेगा वो सुबह कब आएगी। तो ये जो सवर्ण कवि अशरफ कवि की कमी है आपने देखा और इस कविता को रिराइट करना उचित समझा, तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते चलते चलते जब तक कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी मिलेंगे, दर्शकों से अनुरोध है कि अभी बात अधूरी रह गई है तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर जारी रखेंगे, लेकिन चलते चलते वो सुबह कभी तो आएगी एक आशावादी कविता, इसी आधा के साथ एक कविता अपने सुकंठ में गुरिंदर भाई सुनाए, इस इत्तला के साथ, इस गुजारिश के साथ, इस इसरार के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। इनकी कविता वो सुबह कभी तो आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय भी हो गया है और सभी लोग, तो मैं ये बिना किसी विलंब के पढ़ता हूँ। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी जब धर्म के उझले उलझे फेरों से, जब धर्म के उलझे फेरों से ये दुनिया निकलकर सोचेगी, जब ब्राह्मणवाद के माथे पर ये दुनिया गोली ठोकेगी, जब कुदरत के मायनों में सब अपने अर्थ तलाशेंगे, जब यज्ञ कुंभ पे थूक के सब वैज्ञानिक पहलू बांचेंगे, किसी बच्चे की जब कोख ही में तकदीर ना लिखी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हर शय वो जिसने इंसान को इंसान ही से कमतर है किया, वो हर शय वो जिसने इंसान को इंसान ही से कमतर है किया, हर रीति के जिसने इंसान को हंसने की जगह संघर्ष दिया, प्यार के फूलों को अक्सर है मसल दिया खिलने ना दिया, हर पंख को हर परवाज को ही सदियों से कैदो कफस किया, जब कैद कफस को तोड़ जिंदगी आजादी से लहराएगी, वो सुबह तो एक दिन आनी है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इसको बड़ा अच्छा गाया है एक कलाकार है, गायक है हमारे दलित भोजन समुदाय के, विजय कुमार ने, आप सुन सकते हैं, वो गाना मैंने अपने वाल पे भी डाला हुआ है और उसमें गिटार यानी संगीत खुद बजाया है गुरिंदर भाई ने और बड़ा अच्छा बजाया है। और इनकी बहुत ही इन्होंने समय दिया वक्त डेढ़ घंटा का, इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। बड़े मसरूफ शायर हैं हमारे, क्योंकि ये अपनी तो बातें ही बातें थी, वो काम करता था, ये काम करने वाले एक्टिविस्ट शायर हैं, सिर्फ बातों के जादूगर नहीं है, ये धरती पर हमारे समाज के लिए काफी एक्टिविस्ट आदमी हैं और हमारे सबके दर्द को ये समझते हैं। इनकी दो पंक्तियों के साथ आपका विदा लेना चाहूंगा। इन्होंने एक जगह लिखा था जो मुझे काफी पसंद है कि चिनार के पत्तों का दर्द, चिनार यानी बुन्ने बोलते हैं कश्मीरी भाषा में उसको, कश्मीर का सबसे कश्मीर का पहचान है वो चिनार के पेड़, जिसको बुन्ने कश्मीरी भाषा में कहा जाता है, चिनार के पत्तों का दर्द कश्मीर जानता है, चिनार के पत्तों का दर्द। ये कुदरत, इनका दर्शन कुदरत से शुरू होता है, इनके दर्शन में जब ये फलसफा की बातें करते हैं गुरिंदर भाई तो कुदरत का जिक्र जरूर आता है। तो चिनार के पत्तों का दर्द कश्मीर जानता है और मैं जानता हूं ये मुल्क मुल्क नहीं है, तो ये मुल्क जो मुल्क नहीं है, जो हम नहीं है, वी आर नॉट वाट वी आर, इसका दर्द गुरिंदर भाई का शायर जानता है। ऐसे ही एक शायर जो सबका
मजमा आम से लेकर हाकिम खास तक के दर से जो परिचित है, जो आसना है उस दर से, इस शहर से हम रूबरू आज हुए, हमारी खुशनसीबी है। और मैं सबने बड़े सब्र के साथ इनको सुना और बड़ा लुत्फ अनुभोज रहा ये इंटरव्यू। और मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा भी इंटरव्यू जो होगा उसमें आप मौजूद होंगे और इस शायर को सुनेंगे जो हम सबके दर्द का साझेदार है, हम सफर है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरेंद्र आजाद साहब। जय भीम, जय पाल, जय गुरेंद्र आजाद, जय गुरेंद्र आजाद। जय भीम आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का, जय भीम कारवा का और पूरी टीम का, और जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कोई शब्द मेरे पास अब फिलहाल नहीं है। धन्यवाद।